सॉइल, देखिए इस चीज को जान लीजिए, हमारे इंडिया के अंदर टोटल 8 सॉइल्स हैं। मैंने यहाँ पे 5 ही क्यों लिखी है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है, बाकियों के इतनी ज्यादा क्वेश्चन कहीं से उठ ही नहीं रहा है वहां पे, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। और इसमें से भी मैं आपको ये बताऊंगी क्वेश्चन आएगा कहाँ से एग्जैक्टली, जो कि एग्जामिनेशन का हर जगह से फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सॉइल, सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। 40% ऑफ द लैंड इसी से कवर्ड है, मतलब हमारे इंडिया का 40% जो लैंड है सॉइल का, वो ये कवर करके बैठा हुआ है। क्यों? ये बनता है किससे? ये बनता है हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के एक साथ, गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यमुना डेल्टा, इन सब से मिलकर हमारा एलुवियल सॉइल बनी हुई है। ओके, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल। अगर सारी सॉइल से सबसे ज़्यादा फर्टाइल की बात की जाए तो हमारे पास यही है। ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी उगा सकते हैं इतनी फर्टाइल है वो। और एक और चीज़ आप इसके अंदर याद रख लीजिए, न्यू खादर और ओल्ड खादर। न्यू खादर को खादर, न्यू एलुविलियल, सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू एलुविलियल को खादर बोलते हैं, ओल्ड एलुविलियल को भांगर कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बताइए न्यू एलुविलियल को क्या बोलते हैं, तो आप वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन उठ के आएगा आपका, और ज़्यादा उससे आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लेटराइट सॉइल पे। देखो, लेटराइट वर्ड का मतलब ही होता है ब्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रिक, मतलब कि ये सॉइल जो होती है इसका यूज़ आपको पता होगा, जो ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, वो बनती किससे? सॉइल से ही तो मिलकर बनती है, तो वो यही वाले सॉइल का यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के लिए बहुत यूजफुल है, ब्रिक्स बनाया, इसका मीनिंग भी यही है ब्रिक, लेटराइट का मतलब ही है ब्रिक। डेवलप एट टेम्परेचर जहाँ पे हाई हो और रेनफॉल जहाँ पे हाई हो, ये दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उठ के आया था, पूछा था कि लेटराइट सॉइल जो है, चार ऑप्शन दे दिए थे, उसमें से पूछा था बताइए एक कौन सा इनकरेक्ट है उसके बाद। तो उसमें ये भी लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था, डेवलप एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छे से याद कर लो, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, रेनफॉल भी अच्छे खासी होती होगी, वहीं पर आपकी लेटराइट सॉइल बनती है। नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के सुटेबल नहीं, कल्टिवेशन मतलब खेती वगैरह नहीं कर सकते इसके ऊपर, बट हाँ इसमें भी की जा सकती है अगर आप थोड़े मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही है, बाकी सब में मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ होता ही होता है, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। ठीक है, 10% जो हमारा इंडिया का एरिया है वो लैटेराइट सॉइल में है। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, इस वर्ड को ना ज़रा अपने दिल में बसा लीजिए, एल से लीचिंग, एल से लैटेराइट, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में ये वर्ड दिख जाए लीचिंग, बिना सोचे समझे लेटराइट पर टिक लगा देना। ठीक है, तो जब भी हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, इंटेंस लीचिंग हो जाती है इसके ऊपर। ठीक है, और ये किस किस चीज़ में यूज़ की जाती है, इसमें टी की कल्टीवेशन में किया जा सकता है, कॉफ़ी एंड कैश्यू, ज़्यादातर कैश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बताइए कैश्यू किसके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो आपका लेटराइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल, एग्जामिनेशन ना इसके ऊपर इतना प्यार बरसा के बैठा हुआ है, हर जगह पे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले बेसिक समझ ली, 15% लैंड जो है वो आपका ब्लैक सॉइल से कवर हो रखा है। ठीक है, इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया में बना हुआ है, दक्कन वाले एरिया में। दक्कन वाला एरिया कौन सा है हमारा, देखो मैं बना के दिखाती हूँ, ये हमारा नीचे का भारत है ना, और यहाँ से ऐसे जैसे भी करके जाता है, तो वो जो ये वाला रीजन है इसको दक्कन रीजन बोलते हैं, है ना, दक्कन रीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दक्कन के पठार हैं बहुत सारे, प्लेटू रीजन है, तो यहाँ पर तो इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं और रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। इस वर्ड को जरूर अच्छे से याद रख लेना, एग्जामिनेशन यही क्वेश्चन आता है बार बार, ये क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है, बताइए कि रेगुलर सॉइल होती कौन सी है, तो आप एग्जैक्टली याद कर लीजिए कि ब्लैक सॉइल को ही कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला तो बिल्कुल याद कर लेना, गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ठीक है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है इसकी कि मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ के रखता है, और जैसे ही बहुत सारी बारिश हो जाती है ना, तो इसमें क्या होती है, अलग से ही दरारें पड़ जाती है बीच में से। ठीक है, तो सब एक जैसे चिपक जाते हैं और वो दरारें पड़ जाती है, तो जब बारिश हो जाती है ना, तो इसके अंदर वो नहीं होता, वो प्लग करना पड़ता है, प्लग मतलब कि क्या कहते हैं उसे, कि मिट्टी को थोड़ा खोलना पड़ता है लाइक, तो वो ऑलरेडी हुआ रहता है, दरारें पड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें भी याद रखनी पड़ेगी आपको। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ब्लैक सॉइल, और सारी चीज़ें दे दे और एक गलत दे दे, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है, दक्कन ट्रैप बता दिया मैंने कि इस वाले रीजन में होती है, एंड गुड फॉर कॉटन, इस पर भी जरा स्टार, दिल, किडनी, फेफड़ा, जो मन करे आपका लगा लीजिए, बार बार क्वेश्चन उठ के आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, नोट माई पॉइंट, कोई सा भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, पूछा जाता है कि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी सॉइल है, तो हमेशा क्वेश्चन आपको ब्लैक सॉइल पे लगा देना है। इतना समझ आया आपको? ठीक,
फोर्थ पे चलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है आपको विजिबल है, ठीक है मैं साइडों के पढ़ाती हूँ, दिखता नहीं है फिर। रेड एंड येलो सॉइल, रेड कलर इसका होता है क्यों, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन उठ के आता है। अगेन लगाती हूँ मैं यहाँ पे स्टार, इसमें भी लगा दूँ यहाँ पे, बस ये ज्यादातर क्वेश्चन उठ के आता है। रेड कलर क्यों है, रेड कलर है क्योंकि इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड मिला होता है, चाहे वो इस दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मार्स भी क्यों ना हो, ठीक है वो भी रेड, मार्स हाँ ठीक है। तो रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड उसके अंदर, फेरिक का मतलब क्या होता है, आयरन को ले यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कि वाई इज द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज रेड, क्यों होता है कलर, तो फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है या फिर आयरन भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर टिक लगाना। हाइड्रेशन, जैसे ही इस मिट्टी में आपने रेड सॉइल में, मिट्टी में जैसे ही आपने पानी डाल दिया उसका थोड़ा रंग येलो येलो सा हो जाता है, तो इसीलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं। वाटर मिलने के बाद येलो, ना मिलने पर रेड हो जाती है, ठीक है। किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, टबैको, वीट, मिलेट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस नहीं है क्योंकि टबैको के लिए बहुत सारे सॉइल भी है, कॉटन के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से बन के आता है आपका रेड सॉइल का। एरिड सॉइल, इसको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, मतलब पानी तो होता ही नहीं है बेचारे के अंदर, बहुत कम होता है। लो परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में बहुत कम होता है। अब मैंने आपको बता ही दिया मॉइस्चर के बारे में, पानी लैक मॉइस्चर, मॉइस्चर है ही नहीं। अब रेगिस्तान मिट्टी की बात कर रहे हो तो कैसा होगा, वो तो खुद ही कॉमन सेंस की बात है वहाँ पे, ठीक है। और ये पता होगा कि वहाँ पे खेती किस चीज़ की होती है, नाम भी आपने सुने होंगे, तो सही लिखा है मैंने, हाँ ड्राई क्रॉप। ड्राई क्रॉप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ड्राई क्रॉप क्योंकि मॉइस्चर नहीं है ना, पानी नहीं है मिट्टी के अंदर, तो कोई ऐसी क्रॉप यूज़ की जाएगी जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए बारले और मेज का इसमें यूज किया जाता है, ये मतलब इस इन चीजों को उगाने के लिए एरिड सॉइल का यूज किया जाता है। स्टार लगा लीजिए कुछ और चीजों पे, यहाँ पे आपको याद करना है लैटेराइट सॉइल ना आजकल एग्जामिनेशन में बहुत उठ के आ रहा है, एक तो ब्लैक सॉइल और साथ साथ में लैटेराइट सॉइल। ये पहले तो ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन उठ के आते थे, अब लैटेराइट से भी उठ के आने लग गए एग्जामिनेशन के अंदर, थोड़ा पैटर्न अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो मैं न्यू पैटर्न के हिसाब से भी आपको चीज समझा रही हूँ। जहाँ से ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाता है पूरा एनालिसिस करके मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ कि ये याद कर लीजिए, बस इतना चीज को कर लीजिए एंड दैट्स इट फॉर यू। जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वो आपका आराम से बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, रिवर, हमारे पास दो टाइप की रिवर होती है हमारे इंडिया के अंदर, हिमालय एंड पेनिनसुला। सबसे पहले आप हिमालय वर्ड से फैमिलियर होंगे, क्योंकि हिमालय का मतलब जो कि हिमालय पर्वतों से जो नदियां बहते हुए आ रही हैं, जहाँ का ओरिजिन हिमालय है, उनको हिमालयन रिवर कहते हैं। इतना समझ आया? ओके, पेनिनसुला, देखिए पहले इस वर्ड को समझिए, पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला मतलब कि एक वैसा रीजन जो थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए हमारा इंडिया, ओके मैप ठीक ठीक लग रहा है, ओके तो हमारा इंडिया जो है वो इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है एंड इधर से भी पानी से घिरा हुआ है। इस वाले को क्या कहते हैं, अरेबियन सी, दिस वन बे ऑफ बंगाल एंड जो नीचे है वो हमारा हिंद महासागर है। तो जो इस रीजन की हमारी रिवर्स हैं उनको हम पेनिनसुला रिवर कहते हैं, जो दक्कन रीजन की है, और जो ऊपर की है मतलब नॉर्दर्न वाली, हिमालयन वाली, उनको हिमालयन कहते हैं। दैट्स इट, कितना सिंपल था ना। अब हम सबके बारे में जान लेते हैं। हिमालय के अंदर एग्जामिनेशन मेजरली हमारे हिमालय के अंदर तीन को पढ़ जाता है, तीन बेसिक सबसे ज्यादा मेजर जो होते हैं वो हमारा इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो हम तीनों रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और पेनिनसुला के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, उसमें से जहां से वो क्वेश्चन उठा के देता है एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली आपको वही चीजें करवाऊंगी, डोंट वरी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हम हिमालयन रिवर्स में तीन रिवर को मेजरली पढ़ने वाले हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखिए मैं आपको बहुत ऐसे नहीं शॉर्ट नोट्स की तरह बनाइए और आपका एक ही पेज में वो इन रिवर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, सो अभी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस की बात करते हैं। इंडस, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर। ये किलोमीटर्स में, देखो लेंथ मैंने सिर्फ आपके लिए लिखी हुई है, इतना आपको एग्जैक्टली नंबर याद नहीं करना, ठीक है। आप करना चाहे तो कर सकते हो, बट एग्जैक्टली कभी भी एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है। इसका जो सोर्स कहाँ है, वो नियर मानसरोवर लेक चाइना। तो इसका जो सोर्स है वो चाइना में
मानसरोवर लेक के पास है। अब की बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, सबको लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, या तो उसकी रिवर्स उसकी ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा, उसकी सहायक नदियां पूछ लेगा, बट अब की बार एग्जामिनेशन में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। जो अभी मई में हुए थे, उन्होंने क्या पूछ लिया कि बताइए ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब सोर्स का नाम नहीं, उस जगह का नाम पूछ लिया कि कहाँ से होती है। तो ये भी तिब्बत जगह है, ठीक है, चाइना में तिब्बत, तो मानसरोवर लेक चाइना में, ये कहाँ जाके मतलब समुद्र में मिलती है, तो वो अरेबियन सी। अरेबियन सी कहाँ होता है? दिस साइड, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, इस साइड का हमारा अरेबियन सी, हिंदी में बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी, इसकी जो नीचे मैंने सबकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई है, इंडस की सिर्फ 5 ही ट्रिब्यूटरीज है। ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, इसको छोड़ के, आप लेंथ को छोड़ के, बाकी आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ओके, ज्यादा इसलिए कंटेंट नहीं दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा ही याद करें, बट वो जेन्युइन हो और वहीं से क्वेश्चन उठ के आए। झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, एक गाने की तरह जैसे मैंने याद किया था, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, ऐसे करके आपको पांचों के पांच याद रखनी है। अब इसको ये देख लेते हैं, मैप में देखिए कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये यहाँ पे मानसरोवर लेक से यहाँ से ओरिजिनेट होके इंडिया में ऐसे आती है, ऐसे आती है, और यहाँ से फिर वो अरेबियन सी में पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से चाइना से आती है, हमारे इंडिया में इतनी देर रहती है, मतलब यहाँ से एंटर होती है इतनी देर रहती है, उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान से अरेबियन सी के अंदर जाती है। माइंड के अंदर थोड़ी बहुत लोकेशन याद रखेंगे ना कि इंडस यहीं से है, तो आपके उनमें रहेगा कि हाँ यहाँ से है, तो ये निकल के जरूर यहीं से आ रही होगी। तो इसका चीज का आप ध्यान रख लेना कि हाँ तिब्बत से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत चाइना, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, फिर यहाँ से ट्रेवल करते 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 वो यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ था, हमारे इस रिवर के ऊपर पाकिस्तान वालों से थोड़े बहुत समझ आइए क्या लड़ाई वड़ी चल रही थी, तो इसके ऊपर एक ट्रीटी भी बनाई गई थी, इंडस रिवर ट्रीटी करके उसका नाम है। उसमें डिसाइड कर लिया गया था कि किस रिवर का पानी आप लोगे, किस रिवर का पानी आप कितना लोगे, क्योंकि उसकी पांच है, झेलम चेनाब रावी ब्यास, जो ये सब है ना, ये सब यहाँ यहाँ कहीं से निकलती हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके मिल जाती है उनसे, ये जो पांचों की पांचों है ये ऐसे करके मिल जाती है, किससे, इंडस से मिल जाती है। इंडस वाला क्लियर हुआ आपको? गंगा की बात करते हैं, देखो उसका जो नंबर है ना याद करने के लिए आसानी है, 25 25, 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर यूके उत्तराखंड, ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड। ठीक है, इतना कहाँ से निकलेगी, मतलब हमारा जो उत्तराखंड है वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जाके चल जाती है, इसका जरा रूट समझिए, ये यहाँ से निकलती है एंड देन ऐसे 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 जाते 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 ऐसे पहुंच जाती है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाती है, इसका भी आप लोकेशन याद रख सकते हैं, गंगा से ऐसे ऐसे निकल के यहाँ से जाती है। देखिए इसके अंदर मेन मेन तो कुछ ही है जहां से क्वेश्चन उठ के आएगा, बट मैंने आपके लिए सारी की सारी लिख दी है, क्योंकि सारी की सारी आप लिख लीजिए एक जगह पे। राम गंगा गोमती घाघरा गंगटोक कोसी महागंगा यमुना एंड सोन, आप कहेंगे इतने सारे याद करना पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा एकदम से, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो मैं ट्रिक भी सामने समझा देती हूँ। इसको आप ऐसे याद रखिए, राम जी 3 किलोमीटर, राम जी 3 किलोमीटर, इसको इजी है, राम से राम गंगा, ये जी और थ्री, जो जी थ्री है, ये जी थ्री का मतलब है 3 जी, 3 जी मतलब गोमती घाघरा गंगटोक, जी थ्री मतलब 3 जी, गोमती घाघरा गंगटोक की किलोमीटर में के कोसी एंड एम महागंगा। ठीक है, और एक और याद रखिए, वाई एस बोले तो यमुना एंड सोन, राम जी 3 किलोमीटर, यस, ऐसे करके कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, राम गंगा गोमती घाघरा गंगटोक कोसी महागंगा यमुना एंड सोन, ये आपको मैंने एक ट्रिक बता दी, आप इससे याद कर लेना। ओके, यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, इससे रिलेटेड और कुछ
जो गंगा है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बोली जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी रिवर हमारी गंगा है। अब आप बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्रा भी तो देखिए कितनी बड़ी है, 2900 किलोमीटर्स की है। इंडस भी आपकी कितनी बड़ी है, गंगा तो इतनी छोटी सी, आप इसको कैसे बड़े बोल रहे हो? क्योंकि ये हमारी इंडिया की है। बाकी सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ओरिजिनेशन उनका चाइना से हो रहा है ना, तिब्बत से हो रहा है, तो हम उसे इंडिया में नहीं काउंट कर सकते। इसी वजह से हम गंगा को काउंट करते हैं, बिकॉज वो हमारे उत्तराखंड से निकल के आती है। क्लियर हुआ आपको? ब्रह्मपुत्र। अच्छा, इसको ये देख पा रहे हैं ना आप ना कॉपी में जब ये लिख रहे होंगे तो एक जगह पे मैप बनाना। ये मैप हर जगह पे नहीं, अभी मैं बाकी आपको पेनिनसुला वाले करवाऊंगी। पेनिनसुला करवाने के बाद एक ही जगह पे आप उनके मैप बना लेना, ऐसे रफ स्केच, ताकि आपके माइंड में रहे। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर उसकी लेंथ है। कैलाश पर्वत चाइना से ये निकल के आती है। इसका भी जो जहाँ पे ये समाहित हो जाती है, बे ऑफ बंगाल। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी एक एक ट्रिब्यूटरी जो भी मैंने लिखवाई है, इसकी है तो एक्चुअल में बहुत सारी, बट ये सबसे ज्यादा मेन है। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, तिस्ता, मानस। दिहांग, दिबांग, लोहित, तिस्ता, मानस। एग्जामिनेशन में जो हुआ था उसमें लोहित के बारे में पूछा गया था। ओके, कितना क्लियर हुआ आपको? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो अब हम बनाएंगे, ब्रह्मपुत्र आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये भी इसका ओरिजिनेशन कहीं यहीं पे है, तिब्बत की दर्शन। यहां से निकलते हुए यहां सेंटर होके ये गंगा के साथ मिल जाती है। क्लियर? तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे एक शार्प टर्न लेती है, बहुत ज्यादा शार्प टर्न लेते हैं। सबको दिख नहीं रहा ना, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, अब दिख रहा होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। यहां से आके ओरिजिनल एक शार्प टर्न लेती है, उसके बाद वो एंटर हो जाती है और यहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है। तिब्बत वाले रीजन में इसको बोलते हैं ती सांग पो। ती सांग पो। ऐसे ज्यादा डीप क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछता एमटीएस के, बट पता नहीं कब किसी का दिमाग खराब हो जाए पूछ ले, तो ये सब याद रख लो। तिसांगपो, और देन यहाँ से आके ओरिजिनेट होके यहाँ पे गंगा पे मिलती है। और नीचे अब आपको पता होगा जो ये वाला रीजन है, मतलब कि वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश वाला जो रीजन है, वहां पर हमारा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन। तो वो भी कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाती हैं, उसके बाद सुंदरवन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ आपको? कुछ और बताना रह रहा है? कैलाश पर्वत, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हाँ, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है ना, तो उसमें से एक जो होती है, एक उसकी ट्रिब्यूटरी या फिर उसका लेफ्ट ओवर बोल सकते हैं, वो अलग हो जाता है। उसको बोलते हैं हुगली। ओके, हुगली। तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के साइड पे आती है। और कुछ नहीं, जो ये आपको मैंने नाम नीचे लिख के दिए हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं। इनको ट्रिब्यूटरी रिवर्स बोलते हैं हिंदी में, इनको सहायक नदी बोला जाता है। मतलब कि जो छोटी छोटी नदियां मिल मिल के एक बड़ी रिवर का निर्माण करती हैं, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे रिवर रिवर से बड़ी रिवर बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने पेनिनसुला वाली रिवर्स पे। पेनिनसुला रिवर्स आपको ये सात पढ़नी है गिनती की, है तो बहुत सारी ऑब्वियसली, बट आपको करनी है सिर्फ सात ही है। और इसके बाद में बताऊंगी इसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है। पहले अभी पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो उसी उसी को पढ़ोगे आप। सबसे पहले गोदावरी से शुरू करते हैं। गोदावरी 1495 किलोमीटर, ठीक है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र। देखो ये जो मैं आपको स्टेट लिख के दे रही हूँ ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, गोदावरी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर गोदावरी, नर्मदा, तापी, इन सभी का मेंशन हुआ था। पूछा था कि कौन सी रिवर ऐसी है, कि जो एग्जामिनेशन हुआ था ये 8 मई को, जिस जो मेरे पास जिसका है वो बता रही हूँ, 8 मई को क्वेश्चन आया था जो SSC ने करवाया था, MTS का ही। उसमें पूछा था कि बताइए गोदावरी, गोदावरी नहीं, ऐसे पूछा था कौन सी जो रिवर है वो उसका ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। और उसमें ऑप्शन में था नर्मदा, तापी, गोदावरी और एक अदर रिवर भी थी, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ये पूछा गया था, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि नासिक, अमरकंटक, नहीं, उन्होंने डायरेक्टली स्टेट पूछा। तो
इसीलिए मैं आपको स्टेट मेंशन करके दे रही हूँ। ओके, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाती है। सिर्फ ये तीन चीजें याद रखिए, तीन में नहीं, सिर्फ आपको ये और ये याद रखना है। ये भी इतना ज्यादा याद करने के लिए नहीं, अगर मैंने आपको भी मैप में समझा दिया तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, नासिक महाराष्ट्र। एक और चीज याद रखिए, गोदावरी जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। वृद्ध मतलब कि बूढ़ी गंगा ऐसे करके, है ना। और कुछ गोदावरी में नहीं, इतना ही याद रखिए। नर्मदा, अगेन आप इसका किलोमीटर याद रख सकते हैं। इसका जो ओरिजिन है ना, अमरकंटक, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में ओरिजिन है उसका और अरेबियन सी में जाके समाहित होना है इसका। देन आपका तापी, तापी या फिर ताप्ती, अभी कुछ भी बोल सकते हैं, तापी, कंफ्यूजन मत होना, दोनों एक ही। तापी अगेन इसका आपका ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में इसका ओरिजिनेट होता है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ओवरऑल घुमा फिरा के सिर्फ आपको ये याद करना है कि इसको ओरिजिनेट सोर्स क्या है। उसके एडिशनल में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना। बैतूल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ठीक है, तो जो बैतूल है डिस्ट्रिक्ट, इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो है, ट्रिब्यूटरी मतलब इनकी भी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता ही नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट तब भी दिमाग में रख लीजिए इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम खुद बैतूल है, तो ज्यादा अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। महानदी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से एंड बी ऑफ बंगाल में जाके समाहित। कृष्णा और कावेरी, ठीक है, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र महाबलेश्वर, महाराष्ट्र की एक और है हमारी कौन सी, गोदावरी, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो रही है। कावेरी अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, बट जब मैं आपको मैप में करवाऊंगी खुद ड्रॉ करके कि यहाँ से निकल रहे, तब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा सा वेट। कावेरी 800 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका, तो ये जो कावेरी है ना ये बिल्कुल साउदर्न वाले हिस्से में, लाइक इस इधर वाले हिस्से में दिख नहीं रहा होगा अभी, बट मैं भी आपको कैमरा नीचे करके दिखा दूंगी। तो कावेरी 800 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका बीओबी। देन ये लूनी रिवर, ठीक है, लूनी एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा कभी भी नहीं पूछा जाता, ये सीएचएसएल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ठीक है, सीजल में पूछा जाता है, बट एमटीएस में नहीं पूछा गया, बट तब भी मैं आपको करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है तो कर लीजिए। अरावली में, मतलब ये राजस्थान वाला गुजरात वाले रीजन में, अरावली, अरावली क्या है, अरावली सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली ही है ना, और अरावली ही ये हो गया, और वहीं से ओरिजिनेट होती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, और इसको सॉल्ट रिवर भी कहते हैं। सॉल्ट रिवर मतलब कि इसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा, देखो आपके वहां पर मुझे नहीं पता और जगह ऐसा बोला जाता है नहीं बोला जाता, बट हमारे हमारे गढ़वाल में, मैं गढ़वाल से हूँ, तो वहां पे नमक को लून बोला जाता है, गढ़वाल गढ़वाली लैंग्वेज में लून बोला जाता है, तो तब आसान हो जाएगा लून से लूनी याद करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, मैं आपको तो समझा रही हूँ, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी बना सकते हैं। आप मैप में समझाओ, मैं आपको ये सब आप नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, देन मैं आपको मैप में समझाती हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ, मैं देख रही हूँ ना। ओके, देखिए सबसे पहले आप नर्मदा समझिए, मैं आपको सीरीज में समझाऊंगी ऊपर से नीचे आते आते। तो आपका एमपी यहाँ पड़ता है, नर्मदा यहीं से ओरिजिनेट होती है एंड देन यहाँ पे जाके यहाँ मिल जाती है। तापी भी उसके समवट पैरेलल पैरेलल आती है एंड देन वो भी इसमें समाहित हो जाती है। तो नर्मदा तापी एक्चुअल में इतनी ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, बट वो समझाने का तरीका थोड़ा घुमा घुमा के बना लेना, ठीक है। नर्मदा ऊपर वाली, तापी, ठीक है। अब आपके गोदावरी जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड देन वो यूं करके नीचे जाती है, ठीक है। आपका गोदावरी यहाँ पे हो गया, महानदी छत्तीसगढ़ से हो रही थी तो यहां से निकल के वो ऐसे ऐसे पहुंच जाती है। महानदी मैंने लिखा था ना इसमें, हाँ लिखा था महानदी, और कुछ क्या रह रहा है, कृष्णा, ये चार हो चुके हैं, कृष्णा कावेरी और लूनी। लूनी आपके इधर से होती है इस वाली जगह से, देन वो ऐसे ऐसे करके जाती है, क्योंकि इसी जगह पर तो हमारी अरावली है ना, तो यहीं से ओरिजिनेट होगी। लोनी भी हो गया है आपका, कृष्णा कावेरी ये दो रह रही है, कृष्णा आपके यहीं से होती है, जैसे हमने पढ़ा कृष्णा जो है वो हमारे महाराष्ट्र से है,
जस्ट यहीं से ओरिजिनेट होती है एंड देन यू करके जाती है। कावेरी आपका हमने पढ़ा कर्नाटका में होती है, कर्नाटका, तो कर्नाटका विजिबल है, कर्नाटका से वो यूं करके नीचे अपना जैसे भी, तो ये कावेरी। कावेरी कैसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कावेरी, या कैसे भी लिख के आ सकता है, अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलो मैं आपके ऐसे ही लिख देती हूँ। कुछ और रिवर रह रही है, लोनी, कावेरी, ये सब हो गया, इसमें भी लिख देती हूँ मैं। इंडस, गंगा, और वो तिसांगपो ही आप अपनी कॉपी में लिखना ताकि आपके माइंड में ना जाए, तिसांगपो मतलब हमारा ब्रह्मपुत्र ही है। कि बताइए जैसे सैंडस्टोन है वो किस टाइप की रॉक है, इस करके क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर मार्बल है वो किस टाइप की रॉक है, मतलब वो ये नहीं पूछ रहा है कि इग्निशन रॉक कैसा होता है, कैसे बनता है, सेडिमेंट्री कैसा होता है, कैसे बनता है, ऐसा नहीं, वो उसके एग्जांपल्स पूछ रहा है, देन उसके बाद पूछता है कि कौन सा रॉक है आप बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, अब आप खुद जज कर पाएंगे कि मैं वीडियो में कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या वो इफेक्टिव नॉलेज है भी या नहीं। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए कि रॉक होता क्या है। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज रॉक। तो अगर आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होगा क्रस्ट क्या होता है, तो जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का उसको रॉक बोलते हैं। ठीक है, रॉक बोलते हैं। रॉक्स हमारे थ्री टाइप की होती हैं, ये मैंने टाइप्स लिखा हुआ है, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तो इन तीनों को ही आपको याद करना है। ठीक है, इग्नीशियस रॉक के अंदर ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, ये जो दो हैं शुरुआत के दो यहाँ वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो मैंने नीचे लिखे हुए इसके ऊपर एग्जामिनेशन में अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा गया है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आप कंज्यूम करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है डायरेक्टली उसे याद कर लीजिए, ग्रेनाइट एंड बिसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन, शेल एंड डोलोमाइट। देखो डोलोमाइट को छोड़ के ये जो ऊपर के दोनों चार है ना, ये एक दो तीन चार, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। ठीक है, एक दो तीन चार। अब मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, इन सब के मिला, इन सब से मिलकर, जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, शेल से स्लेट बनती है, ग्रेनाइट से गीज बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट मिलता है। अब आप कहेंगे आपने क्या बता दिया, है ना, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, रेटिफिकेशन के लिए ठीक है, आप यहाँ तक आ गए हो तो अब आप समझ लीजिए इग्नीशियस रॉक होता क्या है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, नहीं आपसे पूछ लिया तो पता होना चाहिए ना। इग्नीशियस रॉक होता क्या है, जो कि आपको पता होगा वॉल्केनो होता है। ओके, वॉल्केनो है तो वॉल्केनो के जो नीचे से निकल के आता है ना, मैग्मा, लावा निकल के आता है, लैवा निकल के आता है, वो जब बाहर चला जाता है और वो फिर क्या होगा, अभी तो वो गर्म गर्म है, जब वो ठंडा होगा तो वो सख्त हो जाता है और लेयरिंग हो जाती है, गोजा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इग्नीशियस रॉक, जो डायरेक्टली वॉल्केनो के नीचे से, अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे से इंटीरियर पार्ट से निकल के आता है लावा के फॉर्म में, मैग्मा के फॉर्म में, उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद वो इग्नीशियस बोलते हैं। इधर से ग्रेनाइट और बसाल्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, आ सकता है ग्रेनाइट बताइए किसका था, एग्जैक्टली याद ले, ग्रेनाइट बसाल्ट आपका इग्नीशियस है, दैट्स इट। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक होता है क्या, देखो सेडिमेंट का मतलब होता है कोई चीज आ रही है और वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, सेडिमेंट होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि आपने अपरदन पढ़ा होगा, अपरदन मतलब कि इरोजन, लैंड इरोजन, जैसे कि हवा की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है कि बार बार कोई जगह से मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है, उड़ उड़ के आ रही है, अपरदन हो रहा है, वो चीज़ उड़ के किसी भी एजेंट की वजह से एक जगह पे इकट्ठी होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, और उसके बाद वो एक बड़ी सी रॉक बन गई, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, पानी से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, टाइम के साथ साथ, ये एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, बहुत साल लगते हैं इस चीज को होने में और एक रॉक को तैयार होने में। ठीक है, तो इस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस जो होती है उनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जैसे सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन, शेल और डोलोमाइट, ये शुरुआत के तीन हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। देखो स्टोन स्टोन से याद कर लेना, जहां भी आपको स्टोन दिख जाए ऐसे स्टोन, ऐसे सेडिमेंट। ठीक है, सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन, ऐसे सम आ गया ना इसमें, जिप्सम तो यहाँ से आप याद रखना, शेल से याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना, ये चारों को तो आपको जरूर आता है, डोलोमाइट इतना ज्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, बट सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला है।
ओके मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब ये बनती तो है इनसे ही, इग्नीशियस और सेडिमेंटरी रॉक से ही बनती है ये। किस कंडीशन में बनती है? या तो आपने उसको बहुत ज्यादा हाई हीट दे दी हो, ठीक है, इग्नीशियस को आपने बहुत ज्यादा हाई हीट दे दी हो, या फिर उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दे दिया हो, तो वो जो पहले वाले जिस रॉ मटेरियल को उसने यूज करके मेटामॉर्फिक बना तो वो बिल्कुल उससे अलग हो जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा एनहेंस हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? हाई प्रेशर, हाई हीट या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। ये मोस्टली जो होता है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है। अर्थ के आपको पता होगा अंदर की जो कोर होता है उस तरफ को, वहां पे कोर नहीं, कोर तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर ये प्रोसेस होता है और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो लाइमस्टोन है, अभी मैंने आपको बताया स्टोन क्या होगा। स्टोन जो भी होगा आपको वो सेडिमेंट्री से आएगा, तो स्टोन को जब हाई प्रेशर हाई हीट दी जाएगी तो वो मार्बल बन जाएगा। मार्बल तो आपने बहुत फेमिलियर होंगे आप इस वर्ड से, देखो बहुत ज्यादा यूज भी होता है ना। फिर आपका शेल है, देखो शेल जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसके ऐसे भी हो सकता है, एक होता है ऑयल शेल, एक होता है कोल्ड शेल, एक होता है नॉर्मल शेल। तो जैसे आपको शेल दिख जाए आप सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री लगा देना, ठीक है। मैंने आप आपको एक ही लिख के दिया, तो शेल को स्लेट बना देता। स्लेट भी आपको पता होगा कि बहुत फेमिलियर हो आप इस वर्ड से, तो वो मेटामॉर्फिक का है। ग्रेनाइट को गीज बना देते। ग्रेनाइट कहाँ पे है? देखो हमने अभी पढ़ा ग्रेनाइट जो है इग्नेशियस है, मतलब वो इग्नेशियस का भी रॉ मटेरियल यूज हो सकता है, सेडामेंट्री का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एंड देन आपका सैंडस्टोन, अगेन स्टोन आ गया, मतलब सेडिमेंट्री है, तो उसका क्वार्ट्जाइट बनाते हैं, क्वार्ट्जाइट। ठीक, ये सारी चीजें आपको याद आ गई। अब आपको ये बता दो, ज्यादातर एग्जामिनेशन पूछा कहाँ से जाता है? पूछा जाता है ग्रेनाइट वाले क्वेश्चन ज्यादा आता है, इग्नेशियस का, स्टेनस्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये दोनों तीन जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला यहाँ से एग्जामिनेशन आता है, पूछता है कि लाइमस्टोन बताइए कहाँ का है, सैंडस्टोन बताइए किस कैटेगरी का आता है रॉक में, इग्नेशियस में कौन कौन से, ऐसा कुछ का क्वेश्चन आ सकता है। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। डैम को एक और चीज कहते हैं इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट, मतलब मल्टीपर्पज चीजों के लिए डैम को बनाया जाता है, ठीक है, तो वो रिवर प्रोजेक्ट की तरह भी उसे देखा जाता है, उसका अदर नाम भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे डैम हैं एक 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 रिवर के ऊपर, जैसे से प्रीवियस वीडियो में मैंने रिवर्स के बारे में बताया था, नहीं देखा तो जाके चेक कर लीजिए, रिवर्स के बारे में बताया था। तो हर एक रिवर की लेंथ इतनी बड़ी होती है, जरूरी थोड़ी ना उसके ऊपर सिर्फ एक ही डैम होगा, एक एक रिवर के ऊपर, किसी किसी के ऊपर 5 है 6 है, किसी किसी के ऊपर 10 10 डैम भी है। तो क्या हमें सारे रिवर्स का डैम याद करने हैं, या फिर जहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पिक करता है वो आपको करना है? मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको समझा रही हूँ, ये आलतू जलालतू वाले कोई भी रेंडमली डैम्स उठा के मैं आपको नहीं दे रही हूँ, आपको एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगी कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट वन इज द हीराकुंड डैम। हर एक एग्जामिनेशन के अंदर, हर एक एग्जामिनेशन, चाहे मैं एनडीए की बात करूँ, यूपीएससी एनडीए की बात करूँ, एमटीएस की करूँ, सीएचएसएल करूँ, सीजीएल करूँ, हीराकुंड डैम हर किसी का फेवरेट है, ठीक है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर, महानदी के ऊपर हमारा हीराकुंड डैम है। ओके, तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। एक और चीज आप देखिए, जो हीराकुंड डैम है ना, ये क्या है, लार्जेस्ट डैम है हमारे इंडिया का, दैट्स वाई हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लार्जेस्ट करके पूछ ले, या फिर ऐसे पूछ ले उड़ीसा में कौन सा है, महानदी के ऊपर कौन सा फेमस डैम है, हीराकुंड डैम कौन सी स्टेट में है, किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। आपको पता है वैसे महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? होती है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट, और उसमें भी दंडकर्णिया हिल से, फुट हिल ऑफ द दंडकर्णिया। ये पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ, जाके देखते हैं। एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, चलो यहीं बता देते हैं, कहाँ आप जाके मेहनत करेंगे। ऐसे याद करिए, जैसे जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं महान, वो हमें 36 दंड भी दे सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं, 36 दंड भी दे सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। तो जो महान लोग हैं, मतलब कि महानदी, 36 मतलब कि छत्तीसगढ़, दंड मतलब दंड करनी है हिल से निकलती है, एंड राय मतलब रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, मैंने अपने दिमाग से बनाया था तो ये भी आपको हेल्पफुल लगे। टिहरी डैम यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, हमारा उत्तराखंड है ये, उत्तराखंड, भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर मतलब कि गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी की तरह देख सकते हैं आप इसे, भागीरथी रिवर के ऊपर है, और ये जो है ये हाईएस्ट डैम है,
ऊपर हाइट में बना हुआ है और उसकी लेंथ ऐसे में बहुत ज्यादा बड़ा है। टिहरी डैम अगेन, ये बहुत फेमस रहता है। इसके बाद इसी के नंबर है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उत्तराखंड भागीरथी हाईएस्ट डैम है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, रट्टा लगा लीजिए। टिहरी उत्तराखंड हाईएस्ट डैम, रिवर भागीरथी, दैट्स इट। सरदार सरोवर डैम, अच्छा इसके अंदर भी आपको ये भी, जो देखो जिस सीरीज में मैंने लिखा हुआ ना, ये ऐसे फालतू में सीरीज नहीं लिखी है, ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखी हुई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे करके सीरीज में लिखा हुआ है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टिहरी डैम हो चुका है, सरदार सरोवर डैम मतलब गुजरात नर्मदा रिवर के ऊपर है। नर्मदा रिवर निकलती कहाँ से है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ पे जाकर समा जाती है? तो वो अरेबियन सी में जाके समा जाती है, ठीक है। नर्मदा रिवर गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम अगेन, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना कृष्णा रिवर, ठीक है, तेलंगाना में कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर है ना, महाबलेश्वर से निकलती है। भाकरा नागर डैम बॉर्डर में बना हुआ है किसके? एचपी एंड पंजाब, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर हमारा भाकरा नागर डैम बना हुआ है। नॉर्दर्न रीजन दिमाग में रख लीजिए कि जो भाकरा नागर डैम है वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में है, उससे आपको याद हो जाएगा। और ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। सतलुज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद इसके ऊपर ट्रीटी भी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। कहाँ में, कहाँ समाहित होती है? तो अरेबियन सी में होती है, पाकिस्तान में गुजर जाती है, देन अरेबियन सी में जाके होती है। ओके, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, मे भी आप बार बार रिकॉल कर पाए। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उकाई डैम अगेन गुजरात में और तापी, ठीक है, जो नर्मदा और तापी है, कहाँ है? नर्मदा और तापी, ये दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और उकाई डैम गुजरात, तापी, तापी और जो नर्मदा है ना वो पैरेलल पैरेलल चल के निकलती है, एमपी से, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। उकाई डैम याद रखेंगे आप। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है, साउदर्न रीजन में हमारा तुंगभद्रा डैम है। और ये तुंगभद्रा रिवर के साथ ही है, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर है एक साउदर्न रीजन में, उसके ऊपर डैम बनाया गया, उसका नाम भी तुंगभद्रा डैम ही है कर्नाटक में। और ये ट्रिब्यूटरी भी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा डैम। ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदी, कि जैसे बड़ी सी रिवर होती है उसमें छोटी छोटी रिवर जाके उसमें मिल जाती है, तो वो जो बड़ी सी रिवर है वो छोटी छोटी नदियां उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है, वेयर इज इट? कृष्णा नदी। दैट्स इट, कैसा लगा सेशन मुझे बताना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन सबको याद कर लीजिए, सीरीज में याद कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। देखो इसको मत भूलना, जो शुरुआत के तीन है ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कॉमन डिजीज एंड बॉडी अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, तो अभी हम ये 16 के 16 करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 16 के 16 जो बॉडी अफेक्टेड पार्ट है, मतलब अगर कोई आपको बीमारी हो रही है तो वो किस बॉडी पार्ट के ऊपर जाके सबसे पहले असर दिखाती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट उस बॉडी पार्ट को करती है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, मतलब कि साइंस का पार्ट है आपका, ठीक है। तो 16 के 16 करने हैं हमको, आपको क्वेश्चन देखने को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। एड्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। अर्थराइटिस आपने सुना होगा, अर्थराइटिस बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये, अर्थराइटिस डिजीज मतलब कि जोड़ों में दर्द हो जाना उसको बोलते हैं। तो जॉइंट्स में पेन होगा आपको। एस्थमा, एस्थमा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये हमारी सांस की बीमारी होती है। तो ब्रोंकियल मसल्स, ये जो ब्रोंकियल मसल्स होते हैं ये हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, तो ये सीधा उसी पर अफेक्ट करती है, या यहाँ पे सीधा लंग्स भी लिख के आ सकता है, ठीक है। कैटरेक्ट, ये एक आई की डिजीज़ है, मतलब आँखों में होती है। डायबिटीज़ पेनक्रियास और ब्लड को इन्फेक्ट करती है। डर्माटिटिस मतलब कि ये स्किन के लिए होता है, ठीक है, स्किन की बीमारी जो होती है उसमें होता है। गोइटर, गोइटर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा, यहाँ से किसी के साथ गला जो होता है बहुत एकदम से फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो गोइटर होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे? थायराइड को करता है।
हेपेटाइटिस ये आपका डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आपका जॉन्डिस, जॉन्डिस भी आपका लिवर को अफेक्ट करता है। मलेरिया, स्प्लीन, पैरालिसिस, पैरालिसिस पता है ना, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो वो नर्व्स और लिम्स पे, नर्व्स पे भी असर डालता है और लिम्स पे भी। लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर को लिम्स बोलते हैं, ठीक है। पोलियो, पोलियो सीधा लेग्स पे असर करता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो हो जाता है, उनके सीधा लेग्स पे असर दिखता है। निमोनिया, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में बार बार रिपीट हो रहा है, निमोनिया वाला, टीबी वाला रिपीट होता है, ठीक है। तो निमोनिया वाला भी रिसेंट वाले एग्जाम में, एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। तो ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं। निमोनिया होता क्या है, ये सांस के थ्रू, एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाली डिजीज है। मतलब कि जैसे अगर आपके सामने कोई छींक रहा है, तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो मुंह से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, वो हवा में मिल जा रहे हैं, और जैसे ही आप उस हवा को इनहेल करेंगे, तो आपको निमोनिया डिजीज हो जाता है। तो ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, अगेन लंग्स। टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल्स, आपने सुना होगा ना कि टॉन्सिल्स हो गए गले में, मतलब कि कुछ उल्टा नहीं जा रहा तो पेन हो रहा है, तो गले में यहाँ पे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो वो कौन सी, टॉन्सिल ग्लैंड इन थ्रॉट। तो गले में हमारी एक टॉन्सिल ग्लैंड होती है, उसके ऊपर टॉन्सिल जब बीमारी होती है तो वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है, और हमें यहाँ से कुछ घुलटते टाइम ना वो फील होता है कि हाँ दर्द हो रहा है ऐसा करके। पायरिया, पायरिया टीथ में होता है, जब ज्यादा ही येलो हो जाता है टीथ को, तो उसे पायरिया कहते हैं। अदर चीजें भी होती है इसके अंदर, ठीक है, टीथ के अंदर। ये अगर आप 16 के 16 याद कर लेंगे, तो स्टैटिक जीके का पार्ट है, साइंस का पार्ट है। मुझे लगा यहाँ से वीडियो बनानी चाहिए, जब इतना मेहनत अभी तक करती है, तो थोड़ी सी और करके आपको पूरा कंटेंट में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो पायरिया आपका खत्म, ये 16 के 16 याद कर लीजिए, इतने में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और आप वहाँ पर टिक लगा लेना। ओके, वाइटमिन्स आपका साइंस का टॉपिक है, यहाँ से भी आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, या तो उसका साइंटिफिक नेम से रिलेटेड को क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फिर उसके डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ओवरडोज से क्वेश्चन नहीं आता, ओवरडोज मतलब कि अगर आप वाइटामिन को ज्यादा ले लेंगे, वाइटामिन ए को ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिला है। मिला है तो उसका साइंटिफिक नेम और डेफिशियंसी, वो जस्ट यहाँ पर आप सीख जाएंगे छोटी सी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले विटामिन ए, इसको, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, तो जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये कब है, उसकी डेफिशिएंसी से होगा, ठीक है। जब उसकी कमी पड़ जाएगी उस टाइम पे आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन बी, थायमिन, उसको बेरी बेरी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेरी बेरी एग्जैक्टली याद कर लीजिए, ये बेरी बेरी, रिकेट, स्कर्वी, ये तीन, तो ये मतलब ये सारे ही आपको देखने को मिले एग्जामिनेशन में, बट बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट, ये तीन ज्यादा देखने को मिलते हैं। वाइटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी हो जाता है। वाइटामिन सी जो होता है हमारे गम्स में, हमारे टीथ में जो गम्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाती है, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती है गम से, दांतों से खून निकलने लगता है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो वाइटामिन सी से स्कॉर्बिक एसिड, उससे स्कर्वी हो जाता है। वाइटामिन डी, वाइटामिन डी बच्चों के, मतलब बड़ों के लिए भी वाइटामिन डी बोन्स की स्ट्रेंथन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो कैल्सीफेरल बोलते हैं उसको। रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी होती है जिसमें जो बच्चों के जो बोन्स होती है वो बहुत पतली सी रह जाती है, मतलब अच्छे से प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं होता है बोन्स का, या वो पैरों की हो या हाथ की हो, इसको रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन ए, टैकोफेरॉल, इससे स्टेरिलिटी होती है, मतलब ये जो विटामिन ए होता है इसको एज अ ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी मतलब आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विटामिन ए का यूज़ किया जाता है। विटामिन के, फिलोक्विनन, हेमोफिलिया, ठीक है। तो इसका विटामिन के का एक और चीज़ याद रख लीजिए कि जब क्लॉटिंग, पता है आपको क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की एक परत चढ़ जाती है, ताकि और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो ये बहुत रैपिडली होता है ना, जल्दी हो जाता है, मे बी थोड़ी देर में आपका ब्लड रुकना बंद हो जाता है, बिकॉज ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ पे चोट लगी है, तो जल्दी पहुँचता है। तो उसमें जो हमारे ब्लड्स के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉटिंग में काम करती हैं। प्लेटलेट्स के साथ साथ, क्लॉटिंग को हिंदी में थक्का जमना कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के साथ साथ वाइटामिन के का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विच वाइटामिन इज यूजफुल फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग के लिए कौन सा यूजफुल है, तो आपका वाइटामिन के यूजफुल है, ठीक है। तो ये डाटा आप एग्जैक्टली याद कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो इन दोनों से ही आपको देखने को मिलेगा।
हम माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो माउंटेन पासेस जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। माउंटेन पासेस का मतलब समझ लीजिए, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी चीज के लिए हो सकता है, उसको बोलते हैं। तो वो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, एग्जामिनेशन में कहाँ से आएगा, ये जो मैंने क्या सारे लिखे हैं उन सभी को याद करना है, या उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सब भी होगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप इन सब चीजों को जान जाएंगे और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इस टॉपिक को क्यों छोड़ा, बिकॉज मैं आपको ट्रिक भी इसमें प्रोवाइड करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से जम्मू कश्मीर है, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर बीच में आपका सिक्किम पड़ता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऐसी लहर से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाइन याद में रख लेना आप, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के क्या है, देखो, काराकोरम, बुरजिला, जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। काराकोरम, बुरजिला, जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। तो एक गाने की तरह इसको याद कर सकते हैं, इसमें मैं कोई ट्रिक प्रोवाइड नहीं करूंगी। दिख रहा है आपको प्रॉपर, एक सेकेंड, यस, बनिहाल। तो इसमें से भी, इसमें कोई आपको ट्रिक प्रोवाइड नहीं की जाएगी, डायरेक्टली गाने की तरह याद कर लीजिए। काराकोरम, बुरजिला, जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। तो ये नाम ही अच्छे, देखो जिला जिला दिख जाए तो आप समझ लेना जम्मू की बात हो रही है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश, शिपकिला, बारालाचा, ला और रोहतांग ला। देखो ये ला का मतलब क्या है, ये ला का जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है पास, ठीक है। तो ला का मतलब पास, हर उसके नीचे आपको बाद में ला ला दिख जाएगा, उसका मतलब पास है, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है, बोलेगा शिपकी पास, तो आप समझ जाना ला का मतलब पास है, तो अलग से बोलेगा। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने तो गलत पढ़ा दिया था, ऐसा कुछ। शिपकिला, बारालाचा एंड रोहतांग ला। फिर आपका उत्तराखंड का मानाला, माना पास भी बोल सकते हैं, लिपु लेख पास भी बोल सकते हैं, एंड नीति ला मतलब नीति पास भी बोल सकते हैं। फिर सिक्किम के लिए आपके जलेप ला, नाथुला, या तो फिर वो जलेप पास बोल देगा या तो नाथू पास बोल देगा। आई गेस मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, दीफुला एंड योंगयापला, ठीक है। अब ये तो आप कहोगे कि मैम ये तो दिख रहा था, आप साइड हो जाते, हम स्क्रीनशॉट लेते, याद कर लेते, ट्रिक बता दूं आप। देखो पहला वाला तो आप शुरुआत का जो है ना उसको एग्जैक्टली याद कर लेना, ठीक है। फिर आप हिमाचल प्रदेश वाला कैसे याद रखेंगे, देखो। अच्छा मुझे ये बताइए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है ना, उसकी राजधानी क्या है, शिमला, है ना। इतना आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो शिमला से आपको कुछ चीज याद होगी, शिपकी, ऐसे या तो शिवी की याद कर लो, या तो शिपकी, किसी अदर किसी गर्ल का नाम याद रख लो, कि शिपकिला, या तो डायरेक्टली शिपकिला बोल दो, शिपकिला बड़ा, शिपकिला बड़ा रुई, मतलब कि शिपकिला बड़ा रुई। अब आप बोलोगे शिपकिला से कैसे, जिस मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, तो शिमला से आपके मन में शिपकिला आ जाएगा। तो शिविका बोल दो, शिपकिला, जो भी आपको मन करे, शिपकिला बड़ा रुई, शिपकिला तो नॉर्मल है, या शिविका भी बोलोगे तो शिपकिला हो जाएगा। बड़ा मतलब बड़ा लाचा, एंड रोई का रोहतांगला, ठीक है। तो ये मे भी हेल्पफुल लगे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी खुद से ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखो इसको कैसे याद रखना है, आपको कैसे करना है, मालिनी, मालिनी इस वर्ड को याद रख लिया, मालिनी एक गर्ल का नाम है, सोच लीजिए जो मालिनी है वो उत्तराखंड में रहती है, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, मालिनी जो है वो उत्तराखंड में रहती है। तो फिर मा से मानाला पास, ली से लिपुलेख पास, और नी से नीतिला पास, ठीक है। तो नीतिला या तो नीति पास आएगा, तो ये मालिनी से आप याद रख सकते हैं। फिर सिक्किम, सिक्किम मतलब जलेफला और नाथूला, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जल नाथ, ठीक है, जल से जलेफला और नाथ से नाथूला। तो सिक्किम में एक जलनाथ रहता है, ऐसा करके, कि सिक्किम में कोई जलनाथ करके कोई रहता है, वैसा करके कुछ याद कर सकते हैं। देखो ये मैं आपको अपनी ट्रिक बता रही हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने टाइम पे याद किया था, मे भी आपको हेल्पफुल लगे इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज अपने मन से दिमाग से ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, दीफुला एंड योयांग यापला, ठीक है। तो ये वाले के भी कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद कर लीजिए। वैसे इसमें अच्छा ये सब तो हो गया, आपको उस शुरू वाला खुद याद करना है, ये वाला आपको खुद याद करना है, इसके जो बीच के हैं ये सब के आपको मैंने ट्रिक बता दी। ये वाला शिपकिला, बड़ा रोई, मालिनी और जलनाथ, सिक्किम का जलनाथ, ऐसा करके, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं ये आपको बता देती हूँ कि इन सब में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कि इन सबको भी आपको पूरा पूरा याद करने दो, होना तो चाहिए आपको पूरा याद, ठीक है, वो तो आपको पूरा याद होना ही चाहिए। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ये जो जिला याद कर लीजिए, बनिहाल याद कर लीजिए, और शिपकिला, बारालाचा, और माना,
ये वैसे माना ला नहीं आता, माना पास लिख के आता है, ठीक है। और नीतिला, नीति पास करके लिख के आ जाएगा। और कुछ है, और जलेबला, ठीक है। तो ये जिन जिन पे स्टार लगाया है, मैं साइड हो जाती ताकि आपको क्लियर दिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो जो स्टार है उनको तो मैं कह रही हूँ, इसको भूलने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो इसको तो पूरे को अच्छे से याद कर लो, बिकॉज इससे ज्यादा छोटे साइज में मैं इस कंटेंट को और नहीं कर पाई। मैं जितना कोशिश कर पाई मैंने उसे छोटा करने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको थोड़ा ही कंटेंट याद करना हो, बिकॉज अब एग्जामिनेशन बस सर के ऊपर है। 1 तारीख से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती आप बहुत सारा कंटेंट पढ़े। बस ये थोड़ा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जस्ट इसको याद कर लीजिए, और मैं आपसे कुछ नहीं चाह रही हूँ। जो आपको माउंटेन रेंजेस पढ़नी है, हिंदी में बोला जाए तो पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा मैप, समझ आ रहा है, इंडिया का मैप है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देख लीजिए, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता, मेका, सतमाला, कैमूर, पटकई। अब इन सबको याद कैसे करना है ये भी मैं समझाऊंगी। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए मैप बना रखा है, इस मैप को थोड़ी देर निहार लीजिए, थोड़ी देर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। तो अरावली देखो इस जगह पर है, ठीक है। आप भी जब भी ये चीज़ों को याद कर रहे हो ना, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को अगर आप याद कर रहे हो, तो मैप का यूज़ ज़रूर करना, आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहने वाली है वो चीज़, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ बना रखा है। अरावली शुरू कहाँ से होती है? गुजरात, राजस्थान, ऐसे चलते 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 ये दिल्ली में जाके ख़त्म होती है। इसीलिए मैंने आगे कोई स्पेस नहीं लिखा हुआ कि कहाँ जाके ख़त्म होती है। गुजरात, राजस्थान के रीजन से होते हुए दिल्ली में आगे खत्म होती है, ठीक है। विंध्या और सतपुड़ा, ये जो मेजरली जो विंध्या सतपुड़ा की लोकेशन है ना, देखो विंध्या सतपुड़ा ये दोनों जो हैं, ये देखो विंध्या सतपुड़ा ये है तो मध्य प्रदेश के साथ, मैंने बनाया इनको छोटा सा, बट इनकी रेंज यहाँ से होती है, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे लाइनें जाती है इनकी दोनों की, विंध्या और सतपुड़ा दोनों एकदम साथ साथ है। इतना मतलब दूरी पे, इतनी दूरी नहीं एग्जैक्टली, मतलब पैरेलली चलती हैं। तो जो गुजरात से शुरू होते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे छत्तीसगढ़ पे जाकर खत्म होती है, तो विंध्या और सतपुड़ा। बट अगर एक पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश डाल सकते हैं, ठीक है। पूरा सुन लीजिए, डायरेक्टली यहीं से नोट मत कर लेना, ठीक है, समझिए पहले पूरे को। तो विंध्या सतपुड़ा, ठीक है। फिर अजंता, आपने सुना होगा अजंता की केव बहुत ज्यादा फेमस थी, तो अजंता की एक श्रृंखला भी है जो कि आपकी इस रीजन में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपकी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मैकाल, तो मैकाल की जो है वो आपकी एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ये रही आपकी मैकाल। तो एमपी और छत्तीसगढ़, बहुत ज्यादा नीचे बना दिया मैंने इसे, थोड़ा ऊपर बनेगा ये, तो ये कहीं पे इस जगह को बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना मैकाल बना लेना। फिर सतमाला, सतमाला आपकी महाराष्ट्र में, देखिए ये रही आपकी सतमाला महाराष्ट्र में। कैमूर, कैमूर को ऐसा रख सकते, जैसे बिहार के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38। तो 38 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम कैमूर ही है, तो कैमूर से आपको याद हो जाएगा कि कैमूर जो श्रृंखला है वो भी आपकी बिहार में है, ठीक है। फिर पटकई, पटकई आपके अरुणाचल प्रदेश में, क्या सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है? देखो पहली बात तो श्रृंखला का मतलब क्या होता है, कि वो जो एक साथ सारे पर्वत जो हैं, पर्वत वो एक साथ लगे हुए हैं और एक लाइन की तरह खड़े हो रखे, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट में रहेंगे, ज़्यादा बड़ी होगी तो स्टेट से दूर भी जाते हैं, अलग अलग स्टेट में पहुंचते हैं। तो जो पटकाई है वो अरुणाचल प्रदेश से लेके बर्मा तक, मतलब म्यांमार तक अपना फैलाव करती है, इतना बड़ा है। तो अरुणाचल प्रदेश आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आता है, अगर आएगा तो अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और अजंता। शुरुआत के 4 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और ये जो बाकी के 4 है इसको आप ऑप्शनल दे के रख सकते हैं, इसका एक बार मैप में एक बार देख लीजिए, इसे थोड़ा माइंड में रह जाएगा, इन केस यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया तो आप यहीं से उसको आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। टॉपिक टेस्ट में हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऐसे रैंडमली कोई भी, देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन आता कैसा, ठीक है। तो वो कोई सा भी ऐसे बोल देगा कि जैसे शुगर केन, तो बताओ शुगर केन कौन सी क्रॉप है? खरीफ, रबी, या फिर जायद, या फिर नन ऑफ दी अबव, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम जो आता है आपका क्वेश्चन, वो ऐसा ही आता है कि एग्जाम्पल आपको दे देता है और पूछता है कि वो कौन सी क्रॉप है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जैसे कि इसको बोया जाता है समर में, इसको बोया जाता है विंटर में, ठीक है। इसको मतलब मई जुलाई की बात है और इसको विंटर में किया जाता है, ठीक है। और काटा जब जाता है इसको सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पे, मतलब जो ठंड आ जाती है और अप्रोक्सीमेटली, तब उसे काट दिया जाता है, और इसे काटा जाता है फरवरी और अप्रैल के बीच में, इस वाली को काटा जाता है, ठीक है। और आपके जायद की फसल है, अप्रैल जून के बीच में ही इसका हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, राइस, ज्वार, मेज, कॉटन, जूट, शुगर केन, टबैको, ग्राउंड नट एंड पल्सेस।
तो यहाँ से आपका देखो, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखे क्योंकि पीवाईक्यू में यही एग्जाम्पल से बार बार उठ के क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे इट मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो सारे याद करने की जरूरत है नहीं आपको। इतने से याद कर लीजिए, थोड़ा रट्टा लगा लीजिए, नहीं तो कोई ट्रिक अपनी तरफ से बना लीजिए, ठीक है, और उससे याद कर लीजिए कि खरीफ की है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, वैसे कॉटन का क्वेश्चन आता है, अभी बताती हूँ, चलो बाद में। इसमें वीट, बार्ले, ऑयल सीड, ग्राम, पोटैटो, ठीक है। तो देखो राइस खरीफ में है और वीट जो है वो रबी में है, ठीक है। आपकी जायद वाली जो है उसमें क्या है, मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, लीव या ना, तो वेजिटेबल। तो वेजिटेबल्स इसमें आ गए, मेलन, वाटरमेलन और कुकुम्बर, खीरा इसमें आ गया। तो क्वेश्चन जो आता है ना वो ज्यादातर खरीफ और रबी क्रॉप से ही आता है, ठीक है, डायरेक्ट बता देती हूँ। इन दोनों में से ही आपका क्वेश्चन आता है। वो आता कैसा है, शुगर केन पूछ लेता है, ग्राउंड नट पूछ लेता है, कॉटन, ठीक है, जूट और राइस। वैसे चार ये, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, फिर शुगर केन, ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है ये चारों। बाकी औरों से अभी देखने को क्वेश्चन नहीं मिला, मे भी कहीं ना कहीं ऐसा पूछा गया होगा, बट ये कॉटन और जूट जो है ना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपका रबी के अंदर आपका वीट, बाले, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स के अंदर आपका मस्टर्ड भी आ जाएगा। ऑयल सीड मतलब कि जिसमें से ऑयल निकलता है, तो मस्टर्ड आपका उसमें आ जाएगा। मस्टर्ड से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिख लेना आप मस्टर्ड भी अलग से। ग्राम, पोटैटोज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहीं से क्वेश्चन उठ कर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके या वीडियो को पोस्ट कर सकें, ठीक है। अब साथ साथ में मैप के अकॉर्डिंग साथ साथ में हम इसको समझाऊंगी मैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपका मानस, देखिए मानस को आप कैसे याद रखेंगे, मानस तो अस आ रहा है, तो अस से असम, ऐसा कुछ ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। मानस में अस आ रहा है, अस से आपका असम हो जाएगा, और मानस और डिब्रू दोनों ही असम में, ऐसा याद रखना, मानस डिब्रू असम में, मानस डिब्रू असम में, क्योंकि मानस अस ते असम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको ऐसे याद रखेंगे, इन तीनों को आपको एक साथ करना पड़ेगा, पंचमरी अचानक म अमरकंटक और पन्ना, या फिर पंचमरी अमरकंटक पन्ना, इन तीनों को एमपी में याद कर लो, पंचमरी अमरकंटक पन्ना, पंचमरी अमरकंटक पन्ना, तो इन तीनों को आप एमपी में याद रख लो, इसलिए मैंने इन तीनों को साइड रख दिया, ठीक है। तो मानस डिब्रू असम, पंचमरी अमरकंटक पन्ना आपका एमपी, इतना याद हुआ, ओके, ठीक। फिर आपका सचाचलन हिल्स जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब एक बार देख लो, जैसे असम है, असम में अपने इमेज बना लो कि आपका जो असम होगा वो आपका इस साइड पड़ता है ना, तो इस साइड आपके मानस और डिब्रू होंगे, ठीक है, इस साइड आपके मानस और डिब्रू होंगे। अब जो एमपी है, मतलब एमपी के इस रीजन में आपके कौन है, पंचमरी, अमरकंटक और पन्ना, ठीक है। अब आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आपको इस साइड होता है, तो इस साइड आपका सचाचलन हिल्स आ गया, ठीक है। फिर आपका ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार कहाँ होता है हमारा, है ना, यहाँ पे है ना हमारे निकोबार समूह, इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार में आपका अंडमान निकोबार में आ जाएगा। देखो इसके चांसेस कम है, पूछेगा नहीं कि लोकेशन कहाँ पे, बिकॉज दिख रहा है सामने सामने, है ना। दिहांग दिवांग, आपने वो रिवर्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, दिहांग ध्यान से मैंने आपको बोलता अरुणाचल प्रदेश से याद कर लीजिए, जैसे कि हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा था, है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में भी हमने उनके ट्रिब्यूटरी भी ऐसे ही नाम रखे थे, है ना। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश इस रीजन में है आपका, ठीक है, तो इससे आप अरुणाचल प्रदेश याद रखते हैं। ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, ये आपका गुजरात वाले रीजन में, इस रीजन में आपका गुजरात वाले रीजन में आता है। अगर आपको ये वर्ड पता हो ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, तो आपको दिमाग में एग्जैक्टली आ जाएगा कि हम गुजरात वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट मतलब कि ठंडी जगह कहाँ होती है, हमारे भारत में ठंडा इलाका कहाँ पे है, इधर की तरफ को, तो हिमाचल प्रदेश मार्क कर देना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ गया आपका। अगस्त्य मलाई, तो ये आपका केरला और तमिलनाडु, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इनके नाम पढ़ के आपको लगता है कि ये साउदर्न रीजन के हैं, तो साउदर्न रीजन के भी थोड़ा सा स्पेसिफिकली याद कर लेना कि केरला और तमिलनाडु बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आपका, है ना, बिल्कुल इस वाले हिस्से में आपका वो आ जाएगा। नौकरेक, ये नौकरेक वर्ड को ना अच्छे से याद रख लीजिए, नौकरेक जब भी आप वर्ड देख रहे हो तो आप समझ जाना कि वो मेघालय की बात हो रही है, तो एग्जामिनेशन में ना नौकरेक देखने को मिल जाता है काफी अच्छा, ठीक है। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका कहाँ मिल जाएगा, ओडिशा में, ओडिशा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे बिहार, झारखंड, ओडिशा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उसके बगल में वेस्ट बंगाल, तो आप इधर याद ले कि यहाँ पे आपका क्या है, ओडिशा है, तो ओडिशा में आपका कौन सा है, सिमलीपाल है। खजनचेंजंगा, ये आपका सिक्किम में पड़ जाएगा, यहाँ पे हमारे सिक्किम है वो, ये याद कर लेना आप। नीलगिरी बताने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु से मैंने पहले ही बताया था, नीलगिरी एक पूरी रेंज है, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन तीनों में आती है नीलगिरी, तो नीलगिरी का भी नीलगिरी में आता है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, ये जो भारत और श्रीलंका के इस तरफ जगह है ना ये वाली, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, तो ये तमिलनाडु में ही होगा क्योंकि हमारे इस कोने में क्या है, हमारा तमिलनाडु है, इसीलिए,
ठीक है, नंदा देवी, अब आपने नंदा देवी नाम सुना है या नहीं सुना है पता नहीं, बट नंदा देवी यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ वाले उत्तराखंड में आपका नंदा देवी पड़ जाता है। फिर सुंदरवन, सुंदरवन भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कैसे याद करना है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो गंगा और यमुना, जो गंगा यहाँ से बहते हुए आती है, यमुना यहाँ से बहते हुए आती है, दोनों साथ में मिलते हैं, है ना, साथ में मिलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के यहाँ पर इस वाले रीजन में क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक और चीज, इसको सुंदरवन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे एक पादप मिलता है, पादप बोले तो प्लांट एक मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, तो वहां पे स्पेसिफिकली वहां पे मिलता है, तो इसीलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा हो गया, ठीक है, ये भी आपको नॉलेज मिल गई। तो ऐसे आप मैप को ध्यान में रखते हुए ये सारे वर्ड, सारे बायोस्फीयर रिजर्व को याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में देखने को क्या क्या मिलता है, देखो एक तो मैंने आपको नोकरेक बोला कि एग्जामिनेशन में आपके बार बार रिपीट हो रहा है, नोकरेक आपका आ जाता है, और अमरकंटक आपको याद होगा, अमरकंटक क्या है, अमरकंटक वही है ना नर्मदा का ओरिजिन प्लेस, नर्मदा जो रिवर है, जो नर्मदा नदी है, उसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक है ना, एमपी, तो ऐसे याद रख लेना, अमरकंटक से आपको वैसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मानस आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है आपको, सुंदरवन नहीं मिलता है ज़्यादातर, बट मे भी मिल जाए आपको, ठीक है। तो इन सबको एक बारी देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, और मैप में एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर नोकरेक की बात होगी तो मेघालय की बात हो रही है, नीलगिरी की बात होगी तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की बात होगी, अंडमान निकोबार से आने के चांस है नहीं, कोल्ड डेजर्ट हिमालय ऊपर के रीजन की बात होगी, मतलब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही होगी, है ना। और अमरकंटक मैं आपको बता चुकी हूँ, मानस, मानस को भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो मानस में अस से असम, तो कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ के आ जाए और आपको ये याद हो, तो इसीलिए एक बार रिविजन कर। छिलका लेक आपकी ओडिशा में है, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, छिलका लेक आपकी ओडिशा में, वीडियो को पॉज कर लीजिए, बाकी को सबको नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बोलूंगी साथ साथ में लिखना, खुद बोलते भी रहना, याद हो जाएगा, ठीक है। छिलका लेक आपकी ओडिशा में है, लोकतक लेक आपकी मणिपुर में है, ओके, लोकतक लेक मणिपुर, लोकतक लेक मणिपुर, ऐसे ऐसे याद करना। सांबर लेक आपकी, अब आप बोलोगे सांबर तो साउथ इंडिया का है, तो मैं भी वहां का हूँ, राजस्थान, वुलर एंड दाल लेक, वुलर एंड दाल लेक, देखो ये वाला क्वेश्चन जो वुलर लेक का है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वुलर लेक और छिलका लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इन दोनों से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, वुलर लेक वाली तो बहुत ही ज्यादा मिलता है, इसमें स्टार लगा देती हूँ, इसको तो भूल के जाने की सोचना ही मत। तो ये है आपकी कश्मीर में, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। लोनार लेक आपकी महाराष्ट्र, भीमताल लेक, भीमताल लेक हमारे उत्तराखंड में है, मैं उत्तराखंड से रहने वाली हूँ, तो भीमताल लेक आपकी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में भी नैनीताल में, एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन दे रही तो कर सकते हैं, यूके लिख लीजिए, ठीक है। और कोलेरू लेक, ये कोलेरू वर्ड आपको कहाँ का लग रहा है, लाइक जैसे एक नाम होता है ना रेड्डी करके, अभी ये नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर ही शूट करने वाली हूँ क्लासिकल डांस फॉर्म की, और साथ ही साथ उनके फेमस डांसर्स की, कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, इसलिए चेक करना चाहते तो कर सकते हो। तो जो कलेरू है, ये वर्ड ना कहीं से रिलेट कर पा रहा है, लाइक साउथर्न इंडिया से ही लग रहा है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। सारे के सारे नोट कर लीजिए, इसमें से वुलर एंड दाल लेक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बोल लीजिए कि शुरुआत की जो चार है ना आपकी, ये शुरुआत की चार, ये चारों की चारों आपकी शुरुआत की इंपॉर्टेंट है, इन चारों को तो जरूर से याद कर लेना, इन सब पे भी नजर डाल देना। देखो जैसे मैंने बोला आपको कि कुलेरू लेक जो है ना, तो मैंने आपको बोला कि रेड्डी से याद कर लीजिए, कहाँ का नाम लग रहा है आपको, तो आंध्र प्रदेश रिलेटेड नाम लग रहा है, तो आपको यहीं से याद हो जाएगा, ठीक है। और भीमताल लेक कहीं आपको मेरे दिमाग में रह गया कि मैंने बोला था कि भीमताल लेक उद्यानी नैनीताल उत्तराखंड में है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। देखिए शुरुआत की तो रट्टा लगा के जाना ही, छिलका लेक उड़ीसा, सांबर लेक राजस्थान, बुलर दाल लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर, और आपकी लास्ट लोकतक लेक आपकी।
टूक एग्जाम्स मई में कंडक्ट करवाए थे उसके अंदर इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। तो मतलब आपको सिर्फ 8 पॉइंट याद करने, उसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर देखने को मिला ही है। तो इसीलिए ये वीडियो है, एक ही थोड़ा सा आपको याद करना है, दैट्स इट, आपका वहां से एक टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे नहीं करेंगे तो यहाँ से टॉपिक छूट जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेरिट आने वाली है वो सिर्फ जीएस एंड इंग्लिश के हिसाब से आने वाली है, तो जीएस जो होगा ना वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सब लगा ही लेते हैं, जीएस का जो टॉपिक है वो वास्ट है। तो इसीलिए अभी से ही छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ के उसके अंदर अप्रोच लेते चलिए। सो द फर्स्ट वन इज द 17 पैरेलल सेपरेट नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पढ़ रहे हैं एंड 17 पैरेलल जो है वो नॉर्थ वियतनाम को सेपरेट करता है साउथ वियतनाम से। That's it. इसके अंदर कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। ओके, इसके एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं। द सेकंड वन इज ए मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो मैकमोहन जो लाइन है वो इंडिया एंड चाइना को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो ये सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री सेट की गई है उनका नाम दिया गया है। तो मैकमोहन इज फॉर इंडिया एंड चाइना। पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार इस बार रिपीट हुआ, बिकॉज ये वाला बहुत बेस लेवल का है और बार बार इससे जो अदर अदर शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवाया जाता है उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ठीक है। और ये जैसे आपको पता है ये हमारा इंडिया, हियर इज अवर श्रीलंका। सो तो ये वाला रीजन है, इधर है हमारा पाक स्ट्रेट। मतलब आप इन सिंपल भाषा में बोले तो आप राम सेतु से रिलेट कर पाएंगे। ओके, एलओसी द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप बार बार देखेंगे यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये सब क्या चल रहा है। देखिए जो एलओसी है ना, एक सेकेंड, जो एलओसी है वो देखो, जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, गलत बन गया होगा मुझे पता है। ओके, तो ये हमारा बारह समझ लीजिए। और यहाँ पर कुछ एरिया है कश्मीर का जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रख लिया है, और यहाँ से एरिया जो है वो हमारा भारत का शुरू होता है। तो जो ये वाली लाइन है, दिस वन इज द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड करके बैठा है, वो हमारे भारत का ही हिस्सा बट पाकिस्तान उसको अपने कब्जे में लेके बैठा हुआ है। तो जिस लाइन से, जिस बॉर्डर से हमारे इंडिया का कंट्रोल शुरू होता है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा ये। ओके, दिस 24 पैरेलल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करता है गुजरात रीजन से। जो गुजरात रीजन में, गुजरात भी तो कनेक्टेड है पाकिस्तान से, तो गुजरात रीजन में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या नाम दिया गया है, 24 पैरेलल, ठीक है। एंड 49 पैरेलल क्या करता है, अमेरिकन कनाडा को अलग करता है। देखिए ये थोड़ा अलग टॉपिक है, अभी तक हम इंडिया की ही मोस्टली बात कर रहे हैं, बट इन केस इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने एक दो को ऐड जरूर किया है ताकि यहां से अगर क्वेश्चन उठे तो आपका यहां से जाए ना। तो 49 पैरेलल इस अमेरिका और कनाडा के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके जो नीचे तक होते हुए आता है पंजाब वाला जो एरिया आता है ऐसे वाला, ठीक है, हमारा ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ से जो एरिया आता है ये वाला जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। और गुजरात वाले रीजन को क्या कहते हैं, 24 पैरेलल कहते हैं। तो साथ ही साथ इसको याद करते चलना। एंड दुरांत लाइन जो कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो कि दोनों ही कंट्रीज को सेपरेट करती है, उसका नाम है दुरांड लाइन, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए आप यहाँ पर कि जो इंडिया है उसके 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, पड़ोसी देश जो है उनके 7 हैं। अभी आप बोलेंगे हमने तो अभी तक साथ ही पढ़े थे बचपन से। देखिए 7 तो बाय लैंड है कि मतलब लैंड से जुड़े हुए हैं, बट 2 ऐसे हैं जो वाटर से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा हमारा जो भी कंट्री होती है अगर वो ओशन के पास है, किसी भी वाटर बॉडी ओशन के पास है, तो कुछ हद तक, कुछ एक लिमिट तक जो वाटर होता है वो उसके कंट्रोल में माना जाता है, उस कंट्री के कंट्रोल में माना जाता है। तो उस वाटर वाटर के अंदर मालदीव एंड श्रीलंका, ये हमारे वाटर से कनेक्ट होने वाले नेबरिंग कंट्रीज है। और जो भूटान है वो सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ इन टर्म्स ऑफ लैंड, क्योंकि भूटान ऑलरेडी इतना छोटा सा है, तो सबसे ज्यादा कम जो बॉर्डर शेयर करने वाला है वो सिर्फ भूटान ही है, बाकी जो है वो सारे बड़े बड़े हैं।
ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको उठ के आ सकता है कि सबसे बताइए कि सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करने वाला कौन सा है नेबरिंग कंट्री, तो भूटान लगा देंगे। देन वाटर बॉडी से रिलेटेड पूछ के आ सकता है मालदीव एंड श्रीलंका, ठीक है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। और मैं स्टार लगाते जा रही हूँ, आप सबसे पहले तो आप इसको जरूर करना, इसमें से दो क्वेश्चन उठ के आ सकता है, पूछ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली क्या चीज है या उन दोनों के बीच में क्या चीज है, या पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कौन सी है, ठीक है, तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन लगाना होगा। मैकमोहन लाइन से रिलेटेड आ सकता है आपका, बहुत कम चांस है बट जरूर आ सकता है। और ये LOC यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये जो चार मैंने लगाई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर अभी के अभी याद कर लीजिए, और बाकी जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी वो भी आपको एटलीस्ट आपको माइंड में होना चाहिए, लाइक एग्जैक्ट वर्ड याद ना हो बट जब आप ऑप्शन देखें तो आपको समझ। गोंड जो है आपके वो MP एंड झारखंड में है, ठीक है, साथ साथ लिखिए मेरे, MP एंड झारखंड में है आपके गोंड। भिल कहाँ पड़ते हैं आपके, भिल आते हैं आपके MP एंड गुजरात में। संथल, देखो इस ये जो स्टार्टिंग के तीन है ना, ये हर एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। संथल वाले के बिल्कुल ऐसे याद रखिए, अगर आपको मैप आपके दिमाग में हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके मैप आपके दिमाग में है तो सबसे पहले हमारे ऊपर क्या होता है, बिहार झारखंड उड़ीसा, है ना, बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ऐसे बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे हमारी संथल है, मैप में देख लेना एक बार, समझ आ जाएगा आपको। वी भी लिख दिया मैंने वेस्ट बंगाल को, ओके। तोडास, इसको ट्रिक से याद रख सकते, तोडा तमिलनाडु, तोडा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में भी स्पेसिफिक जगह पर है ये, नीलगिरी, कहाँ पे, नीलगिरी, नीलगिरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपका इस तरफ से आपका वेस्ट बंगाल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, तो जहाँ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट मिलते हैं ना उसको नीलगिरी कहते हैं, तो उस जगह पर उस रीजन पे हमारे तोडा ट्राइब है, ठीक है, तमिलनाडु। जरावा, जरावा बिल्कुल इस दुनिया से कटके रहने वाली ट्राइब है और ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी कहाँ पे, लिटिल अंडमान में है। ओके, थारू, थारू आपकी आ जाती है नॉर्दर्न रीजन में, यूके एंड यूपी, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और बकरवाल आती है आपके सबसे ऊपर वाले रीजन, सबसे ऊपर हमारे इंडिया का ताज कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, तो बकरवाल भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में आती है, सो इन सबको नोट कर लीजिए। अच्छा वैसे एक चीज आपको पता है, ट्राइब को हिंदी में आदिवासी कहते हैं, है ना, तो ट्राइब होते कौन से हैं इसको समझिए। पहले मतलब बहुत से रीजन में हमारे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है, जंगल वाला इलाका है, तो वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से बहुत हटकर जीते हैं, उनका जीवन ही पूरा प्रकृति में है, उनका रहन सहन, उनका कल्चर बहुत ज्यादा अलग है, मतलब वो हमारे लिए माइनॉरिटी है। इन जो ट्राइब वाले हैं जो अब हैं उन्हीं को ST बोला जाता है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उनको कहा जाता है, और इनको इसीलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये बिल्कुल दुनिया से अलग रहने वाले लोग हैं, इनको जेनेटिक कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी क्योंकि इनके पास ऐसी पढ़ाई वाली इंटेलिजेंस तो है नहीं, होगी भी तो अलग चीज की इंटेलिजेंस होगी, लाइक पेड़ पौधे से रिलेटेड बहुत सारी इंटेलिजेंस होगी, मेडिसिन से रिलेटेड होगी कि कौन सा पौधा क्या होता है, किस चीज में यूज होता है, इन सबकी इंटेलिजेंस होगी इनके पास, इनकी नॉलेज होगी इनके पास, तो इसीलिए इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऐसे लोगों को और आगे लाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजर्व कम्युनिटी में रहते हैं। अंडमान वाला एक सीन बताते हैं, जिस टाइम वहां पर बहुत गंदा सुनामी वाला सीन हुआ था, तो वहां पर इंडिया से उनके लिए हेलीकॉप्टर से वो फूड सप्लाई करना शुरू हुआ था, ऐसा कुछ चीज की जा रही थी, तो हुआ क्या था कि वहां पे उन्होंने उनके ऊपर तीर कमान चलाना शुरू कर दिया, लाइक उनके लिए वो हेलीकॉप्टर भी इतना स्ट्रेंज थिंग थी कि ये उड़ती हुई चीज क्या आ रही है हमारे पास, तो इतना ज्यादा दुनिया से कट के रहते हैं।
तो जब तक आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर टॉपिक से नहीं लेंगे, जब तक आपका स्कोर कैसे बिल्ड होगा. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को. ये 7 के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है. अब आप कहेंगे कि क्या ये हमें साथ ही याद करने हैं, क्या यही इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, इस चीज़ को सुन लीजिए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे इंडिया के अंदर टोटल ही 7 है. ये 7ों के 7 के अलावा हमारे पास कोई अदर नहीं है. अब इसके अंदर से भी कहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगी, पर एटलीस्ट ये 7 तो आपके माइंड में होने ही चाहिए, बिकॉज इसके आगे कुछ है ही नहीं, है ना. ठीक, शुरू करते हैं. कुदनकुल्लम पावर प्लांट, ठीक है. तो पहले नाम पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि वो किस स्टेट में है. तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है. तमिलनाडु के इसमें 2 लिखे हुए हैं, कुदनकुलम और कलपक्कम. तो ये एनपीपी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखा हुआ है. ओके, तो कुदनकुलम और कलपक्कम आप ऐसे याद रख सकते हो, कुदनकुलम और कलपक्कम दोनों ही तमिलनाडु में है, तो दोनों को एक साथ याद कर पाओगे, ठीक है. तो कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठ के आया तो आप आराम से लगा पाओगे, ठीक है. कुदनकुलम कलपक्कम दोनों ही आपके तमिलनाडु में है, तो ऐसे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है. फिर तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपका महाराष्ट्र में है. राजस्थान अटोमिक पावर प्लांट, देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ कॉमन सेंस. ऑलरेडी उसके नाम में ही राजस्थान है, तो वो क्यों पूछेगा कि राजस्थान वाला कहाँ पर है, है ना. तो यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है. काइगा अटोमिक पावर प्लांट, ये आपका कर्नाटक में है. कर्नाटक में आपका सिर्फ एक ही है जिसका नाम है काइगा. काइगा तो डायरेक्टली याद रख लो, काइगा कर्नाटक, काइगा कर्नाटक, ऐसे जाप कर लीजिए, है ना. नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है. फिर करारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका गुजरात में है. तो गुजरात और राजस्थान दोनों में ही आपका, ठीक है, ऐसे याद रखिए, गुजरात और राजस्थान दोनों में ही आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है. गुजरात वाले का नाम करारापुर है और राजस्थान वाले का राजस्थान ही है, ठीक है. फिर नरोरा, नरोरा याद कर लीजिए, नरोरा यूपी, नरोरा यूपी, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है. अब आप एक चीज़ सुननी है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट तो बता रही हूँ बट एग्जामिनेशन में ऐसा भी आ सकता है. तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर प्लांट. तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा इनमें से और एक दे देगा अलग सा. तो जब तक आपको इन सारों की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप लिख नहीं पाएंगे, है ना. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं पे एंड करते हैं. मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पोस्ट करके आप लिखना शुरू कर दीजिए. इसको ज़रूर लिखिए, कंसाइज नोट्स बनाइए, 5-6 लाइनों में ही इसको बाइंड अप कर दीजिए. आज नए टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करते हैं, है ना. एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है. पहले पढ़ाई करते हैं, वीडियो के एंड में बातें करेंगे, क्योंकि जिसको जिसको कंटेंट चाहिए वो लेके फिर निकल लेगा यहाँ से, ठीक है. एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि स्पेसिफिक एक ही जगह पर मिलती है और किसी जगह पर नहीं मिलती, वो पर्टिकुलर उसी जगह पर मिलेगी. मतलब वो हर एनवायरमेंट के अंदर नहीं रह पाते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में वो वहाँ पे रह पाते हैं. तो हमारे इंडिया की, ये सारी की सारी इंडिया की है, एग्जामिनेशन में इंडिया से रिलेटेड पूछा जाता है, वो ज़्यादा बाहर किसे इन्वॉल्व नहीं करता है. तो इंडिया में ही जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज है तो बहुत सारी, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 9 लिखी हुई है तो वैसे बहुत सारी, बट क्या आपको बहुत सारी पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है, बिकॉज जीएस के अंदर बहुत वास्ट कंटेंट है. सिर्फ वही कंटेंट लीजिए जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करे, है ना. आप क्यों फालतू में इतनी सारी मेहनत करेंगे, ठीक है. आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, बट अगर आप एग्जाम क्रैक करना है, आपको पीएचडी थोड़ी ना करना है सब्जेक्ट में, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आप इतना ही कंटेंट पढ़िए जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, एंड दैट्स इट फॉर यू. स्टार्ट करते हैं, हमें ये 9 के 9 पढ़ने हैं. मैं साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो पोस्ट कर एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसको भी साथ में नोट करना, ओके, ठीक है. फर्स्ट वन इज द एशियाटिक लाइन, ठीक है. तो एशियाटिक लाइन जो है वो गिर फॉरेस्ट में ही मिलता है. ये गिर फॉरेस्ट एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है. तो गिर फॉरेस्ट आपका है गुजरात में, लिख लीजिए साथ में. एग्जामिनेशन में ये भी पूछ के आ सकता है कि बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द गिर फॉरेस्ट, ठीक है. तो वो आपको यहाँ इस वीडियो में आपको ये भी पता चल गया कि जो गिर फॉरेस्ट है वो गुजरात में है. तो ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी दिमाग में रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है. नीलगिरी थार, ये क्या है? एक नीलगिरी हिल्स में, देखो नाम में ही मिल रहा है नीलगिरी हिल्स, या फिर नीलगिरी थार बोल सकते हैं कि स्टेट में है. तो स्टेट अगर आपको पता हो नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है तमिलनाडु में. तो तमिलनाडु में पड़ता है. अच्छा, ये थार का मतलब क्या है? थार का मतलब है ये एक तरह की शीप की प्रजाति है, ठीक है, एक तरह की शीप की प्रजाति. अब डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, संगाई डियर. अब डियर के लिए बात बताने की जरूरत है, नहीं हिरन की बात हो रही है. संगाई डियर ये कहाँ है? लोकतक लेक में. अब लोकतक लेक देखो
कितनी इंपॉर्टेंट लेक थी. मैंने जो लेक्स वाली वीडियो बनाई थी पहले, उसमें भी मैंने इसको मेंशन किया था, बिकॉज आई नो कि एग्जामिनेशन कहाँ से क्वेश्चन उठाता है बहुत एनालिसिस करने के लिए. इसमें मैं रेंडमली कुछ भी टीचर नहीं उठा के लाती हूँ. तो आपकी लोकतक लेक आपको याद हो अगर आपने वीडियो देखी है तो, वो मणिपुर में है ना, मणिपुर में. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए. ऐसे ही छोटी कंटेंट में आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगी जो एग्जामिनेशन में आएगा. ठीक है, पर्पल फ्रॉग आपके वेस्टर्न घाट में. अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, वेस्टर्न घाट के कितने हैं, 1, 2, 3. तो ये तीन को ऐसे साथ में याद रख लीजिए, ठीक है, कि पर्पल फ्रॉग, लायन टेल मकाक और मालाबार सीवेट, ये तीनों जो है वो वेस्टर्न घाट में मिलेंगे. तो आप एक ही जगह पर इन सबको लिख सकते हैं, जैसे पर्पल फ्रॉग कॉमा लायन टेल मकाक कॉमा मालाबार सीवेट, क्योंकि कंसाइंस नोट बढ़ेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा कि तीनों के तीनों ही वेस्टर्न घाट में है. वेस्टर्न घाट कहाँ पे है ये देखिए, ये हमारे इंडिया का नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये जो ये वाला रीजन है ये वाला, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है. और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हॉटस्पॉट भी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत वास्ट वैरायटी के आपको स्पीसीज मिल जाएगी, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, किसी भी तरह के बहुत मिलता है, ठीक है. तो ये चीज़ आप देख लेना कि पर्पल फ्रॉग, लायन टेल मकाक, लायन टेल मतलब एक मकाक का मतलब क्या है इसको भी देख लीजिए. मकाक एक तरह का मंकी है, ठीक है, ये मंकी की एक प्रजाति है जो लायन टेल है, जो सिर्फ इंडिया में मिलती है, वो भी वेस्टर्न घाट में मिलती है. लायन टेल, इसकी जो पूंछ है ना वो लायन की तरह दिखती है, इसका फेस भी थोड़ा अलग सा दिखता है. इन सबके ना एक बार पिक जाके चेक कर लेना, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा आपको, ठीक है. बीच में रह गए कश्मीर स्टैग, ये स्टैग का मतलब क्या है, ये डियर है, ठीक है, एक डियर की प्रजाति है जो कि आपको कश्मीर में ही मिलेगी. तो या फिर इसको एक और चीज़ बोलते हैं, कश्मीर रेड स्टैग, तो ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का बियर होता है, इसकी जो चमड़ी होती है, इसकी जो स्किन होती है वो ज़्यादातर डार्क रेड कलर में होती है, इसलिए इसको रेड स्टैग भी बोलते हैं, मतलब कि डियर की बात हो रही है, हिरन की बात हो रही है, ठीक है. फिर बीच में पिगमी हॉग, पिगमी हॉग मतलब नाम से पता चल रहा है, पिगमी पिग, तो पिग की बात हो रही है. पिग कहाँ पे आपको मिल रहा है ये वाला, ये सिर्फ आपको असम में मिलता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको असम में मिलता है. फिर नामदफा फ्लाइंग स्क्वायर, अभी फ्लाइंग स्क्विरल ना डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी, चाहे तो यहाँ पे एपी भी लिख सकते थे, बट फिर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है ना साथ में, इसीलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख लिया. तो ये आपके 9 के 9 है. एशियाटिक लायन एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछने को मिलता है, अगर एमटीएस लेवल का एग्जामिनेशन हो तो ये पूछ लेता है आपको, ठीक है. और क्या आ सकता है, लायन टेल मकाक आ सकता है आपका, संगाई डियर, ये तीन जो है वो छोटे लेवल पे. और बाकी अगर CHSL और CGL की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब को ही आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा. तीनों को तो ऐसे याद रख लेना, पर्पल फ्रॉग, लायन टेल मकाक और सीविट. सीविट क्या है, अच्छा सीविट नहीं बताया मैंने, सीविट भी एक तरह के डियर ही है, ठीक है, ये भी डियर की प्रजाति है. ये सारे के सारे ना डियर की प्रजाति, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डियर नहीं है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, डियर नहीं है ये ना, एक तरह का सीविट जो होता है वो एक मंगूस की तरह दिखता है, ठीक है, मंगूस की तरह. सोशल रिफॉर्म्स, तो इस टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं. जब मैं MTS के PY की सॉल्व करवा रही थी उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला था. पहले मैं भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी, बट मैंने कहा थोड़ी सी अगर मैं मेहनत कर लूँ और आपका मार्क्स में इंक्रीमेंट हो जाए तो मुझे वो ज़रूर करना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो अब आ चुकी है, ठीक है. तो आपको ये 6 के 6 कर लीजिए. देखिए रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, बट ये 6 के 6 में ही आपका काम बन जाएगा. फर्स्ट वन इज सती, ठीक है. सती प्रथा आपको पता होगा कि जो विमेन हुआ करती थी उसको उसके हस्बैंड के साथ ही उसके चिता के ऊपर जला दिया जाता था, है ना. तो उसको कब ये रोका गया था, तो 1829 में. ये PYQ में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको एग्जैक्टली याद कर लीजिए. 1829 में उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक ने ही इसे बैन किया था. और राजा राम मोहन रॉय, ये नाम भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज इन्होंने ही कैंपेन किए थे सती प्रथा के विरुद्ध, तब जाके विलियम बेंटिक ने उसे बैन किया था. तो राजा राम मोहन रॉय का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है सती प्रथा के अंदर. तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है. विडो रीमैरिज मतलब अगर एक विधवा है तो वो फिर से शादी कर सकती हैं. 1856 में इसको आप याद कैसे करेंगे, ऐसे याद देखिए जैसे 1857 में हमारा स्पॉय म्यूटिनी हुआ था, मतलब कि जो सिपाही आंदोलन हुआ था मंगल पांडे वाला, वो उससे जस्ट एक साल पहले ही 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट को बंद कर दिया गया था, मतलब लगा दिया गया था. उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कैनन थे. और इसमें जी इसमें भी किसी ने एक बहुत बड़ा हाथ था, उनका नाम था पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है. तो एग्जैक्टली जो डाटा लिखा है उसको डिट्टो ऐसे आपको याद करना है. एंटी स्लेवरी एक्ट, एंटी स्लेवरी एक्ट मतलब कि इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे,
मतलब जो आप किसी को भी दास नहीं बना के रख सकते हो, किसी भी चीज़ का दास हो सकता है वो, ठीक है। 1843 एलनबर्ग, 1833 चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट आया था जिसके अंदर इसके बारे में जिक्र हुआ था, इसी के ऊपर बेस्ड 1843 में से लागू कर दिया गया था। आपको इससे ये भी याद रखना है कि चार्टर एक्ट आया कब था, तो 1833 में आया था, और जब इसे बैन किया गया तो उस टाइम गवर्नर जनरल ये थे। फिर डॉरी प्रोबिशन एक्ट, ये बार बार PYQ में देखा जा रहा है, बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन गलत ही लगा के आएंगे बिकॉज उनके दिमाग में नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए 1961 में डॉरी प्रोबिशन एक्ट आया था। फिर चाइल्ड रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो पहले 1929 में फिक्स कर दिया गया था कि जो गर्ल की उम्र होनी चाहिए वो 14 होनी चाहिए और बॉय की उम्र होनी चाहिए 18, अगर वो ये मिनिमम एज है उनकी मैरिज की। फिर 1978 में इसे अमेंड किया गया, संशोधन किया गया इसके अंदर, और गर्ल की उम्र को 18 किया गया एंड बॉय की उम्र को 21 किया गया। तो ये दोनों ही डाटा आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला तो ज़रूर याद होना चाहिए कि किस टाइम पे हुआ था। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में जो वुमेन का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसके ऊपर भी एक्ट आया था जिसको पोस एक्ट बोलते हैं, जो कि 2013 में आया था, ठीक है, POSH, पोस एक्ट। तो ये जो मैंने आपको डाटा दिया ना, आप इसे एग्जैक्टली याद कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली याद करिए, ये रॉ डाटा डायरेक्टली लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए उसे। एग्जामिनेशन यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मैं एम श्योर कि अगर वो क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएगा। ओके, सो इसको याद कर लेना आप। सारों का डाटा याद रखना इज नॉट पॉसिबल, और हमारे पास टाइम की भी कमी है। एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगी कि आप यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला आपका ही उठ के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत आपकी, शुरुआत की मैंने आठ आठ मतलब आठ ऊपर नीचे सात में बांटा हुआ है, जो ऊपर के आठ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये नीचे वाले जो है वो ऑप्शनल है कि मे बी आपको क्वेश्चन देखने को इसमें से मिल जाए, बट जो ऊपर के आठ है ये एनालिसिस करके मैंने सेट किया है कि कहाँ से ऐसे से क्वेश्चन उठा रहा है। अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से देखने को मिलेगा आपको, और ये आपके ऑप्शनल है, मे भी इन केस अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो वो ये वाले क्वेश्चन भी डाल दे, ठीक है। एक बार आप इसके ऊपर नजर डाल लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत हमारे पाकिस्तान, हमारे मित्र से शुरुआत होती है। पाकिस्तान की कैपिटल आपकी इस्लामाबाद, और उसकी जो करेंसी है वो पाक रुपीज, पाक रुपीज मतलब पाकिस्तानी रुपी है। अफगानिस्तान काबुल, देन करेंसी अफगानी, अफगानी इजी है ना वाला। बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर आप दिल, फेफड़ा, किडनी जो लगाना चाहे लगा लीजिए, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार देखा जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपकी ढाका है, एंड ढाका उसकी करेंसी है। चाइना की बेजिंग एंड चाइनीज युआन, भूटान की टिम्फू एंड नगुलट्रम, नेपाल की काठमांडू नेपालीज रुपी, श्रीलंका की कोलंबो श्रीलंकन रुपी, ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान में भी ना पूछा जाए, बट इसमें से आपको कोलंबो को देखने को मिल जाएगा, म्यांमार का नाम्फिदो एंड कयात, कयात वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है आपका। और बांग्लादेश को तो रट्टा लगा लीजिए, जो करना चाहे वो कर लीजिए। बांग्लादेश का क्वेश्चन जब भी 2022 में हुए तो उसमें भी आया था, इससे पहले प्रीवियस ईयर में मैंने चेक किया, उसमें भी सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो थोड़ा सा याद करना है, इसको कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आपको ये कह रही हूँ कि इसको नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, और क्या चाहिए आपको, है ना, ठीक है। USA वॉशिंगटन DC, US डॉलर, UK लंडन पाउंड, जापान टोक्यो येन, जर्मनी बर्लिन यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, ब्राजील ब्राजीलिया ब्रसीलिया रियल, ये रियल ही है, ठीक है। और कनाडा का ओटावा एंड कनेडियन डॉलर, ठीक है। तो मैंने ऐसा ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं ऐसा वाला बनाती तो आप शायद उसे सी ना समझ लें, ठीक है। तो ये आपके हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन वाला कोई टॉपिक है नहीं, जैसा आपको कंटेंट देना था कि बस इतना कर लीजिए। मैंने साइड में भी आप कुछ लिखा हुआ ताकि मेरे को कोई एक्सटर्नल कोई अदर वीडियो ना बनानी पड़े, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली यहीं पर लिख दिया है कि ये क्या है, ये है नेशनल सिम्बल है आपके, ठीक है, ये आपके सिंबल है। तो जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया का सिंबल क्या है, इंडिया का सिंबल क्या है, हमारे सारनाथ का जो लायन कैपिटल है अशोका, वो है हमारा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का क्या, वो आपने देखा है ना, आधा चांद और स्टार जो होता है वो क्रेसेंट एंड स्टार है, ठीक है। अब बांग्लादेश, इसको भी याद कर लीजिए, बांग्लादेश की वाटर लिली है। श्रीलंका की याद कर लीजिए, देखो लायन। तो इसमें से आप, मैंने सबको बोला कि बांग्लादेश और श्रीलंका का है, तो आप इसको साथ साथ में ये भी याद कर लीजिए,
ठीक है। फिर आपका यूएसए में गोल्डन रोड, एक तरह का ये फ्लावर है जो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। तो रॉड का मतलब वो रॉड नहीं है ये, ठीक है। आप उसके बाद टोक्यो का दिस कॉर्न, कॉर्न फ्लावर आपका जर्मनी का है, फ्रांस का आपका लिली है, और कनाडा का भी आपको वाटर लिली है। तो आप कनाडा एंड बांग्लादेश का साथ साथ में ऐड कर लेना कि दोनों का ही वाटर लिली है। एक सेकंड, मैंने शायद गलत मैचिंग कर दिया। ये जो गोल्डन रॉड के बाद ये वाला इसी का है, मतलब यूके का ही आपका रोज है। तो इसमें ज्यादा देखो, इस वाले टॉपिक को तो आप बिल्कुल ऑप्शनल की तरह ही लीजिए, ऊपर वाले को तो रट्टा लगा लीजिए, ठीक है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को, रेलवे हेडक्वार्टर, इसका मुझे कोई भी इंट्रो देने की जरूरत नहीं लगती है, मुझे क्या आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है, हम सभी को पता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल हमारे 19 हेडक्वार्टर्स हैं, तो आपको 19 का 19 का डाटा याद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैप के जरिए कुछ माइंड मैपिंग करके मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगी, कैसे आप अंदाजा लगा पाएंगे। अगर आप एमटीएस के प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या चीज़ें कर लीजिए बस यहाँ से, सीजीएल कर रहे हैं तो देखो सारा करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट आपको सारा ही करना पड़ेगा, मैं आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती क्योंकि सीजीएल का लेवल ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो एमटीएस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। ओके एक बार देख लेते हैं, हो सके तो आप सारे ही याद करके जाइए, इनकेस कुछ भी आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता, पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम टोटल हमारे इंडिया के अंदर 19 रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं, ये आपके शुरुआत के मैंने अलग कर रखे हैं। अगर एमटीएस में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेंट्रल की बात करें तो आपका मुंबई है, नॉर्दर्न की बात करें तो हमारा दिल्ली हो जाएगा, फिर आपका साउदर्न की बात करें तो हमारा चेन्नई हो जाएगा, वेस्टर्न की बात करें हमारा तो यहाँ पे अगेन मुंबई आ जाएगा, एंड अगर ईस्टर्न की बात करें तो हमारा यहाँ पे कोलकाता आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो फेमस फेमस जगह है, ये मतलब फेमस शहर है बोल सकते हो आप, सिटी बोल सकते हो, उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए कि फेमस कौन सी जगह है वो आपके इस एरिया में, ठीक है। फिर मैंने नॉर्थ वालों को अलग कर दिया है, साउथ वालों को अलग कर दिया है, ईस्ट वालों को, और एक वेस्ट वाले का एक है, बाकी दो अलग है, ठीक है। तो नॉर्थ वाले का देखते हैं। अगर हम नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो अलाहाबाद, अलाहाबाद कहाँ पड़ता है आपको, उसको प्रयागराज भी बोलते हैं ना, अलाहाबाद को आप प्रयागराज भी बोलते हैं, ये भी आपका यूपी में पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगेन आपका गोरखपुर पड़ जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में आपका जयपुर पड़ जाता है, जयपुर कहाँ पे आपका राजस्थान में। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, अगर हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करें तो आपका गुवाहाटी असम में पड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा किसकी बात हो रही, क्योंकि देखो रीजन वही यूज किया जा रहा है। फिर साउथ की बात करें, साउथ सेंट्रल तो आपका सिकंदराबाद आ जाएगा, सिकंदराबाद आपका कहाँ पड़ता है तेलंगाना में, कुछ एडिशनल भी बता रही हूँ उसको भी लिख सकते हैं आपके माइंड में आ जाएगा। अगर साउथ की बात करें, सेंटर की बात करें, आपको तेलंगाना दिख जाएगा वहीं पर लगा देना। साउथ ईस्टर्न की बात करें, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न की बात करें तो अगेन हमारा कोलकाता आ जाएगा। साउथ वेस्टर्न की बात करें, साउथ वेस्टर्न की बात करें तो आपका हुबली आ जाएगा, हुबली कहाँ पड़ता है आपका कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल, अगर हम साउथ ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में आपका बिलासपुर आ जाएगा, ठीक है, बिलासपुर का है छत्तीसगढ़ में। फिर आपका साउथ कोस्ट की बात करें, इस साउथ कोस्ट की बात करें हम तो आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा, विशाखापट्टनम कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ओके। ईस्ट कोस्ट की बात करें, ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो आपका भुवनेश्वर आ जाएगा, भुवनेश्वर कहाँ पे है आपका उड़ीसा में, इधर उड़ीसा आपका पड़ता है ना, उड़ीसा, उड़ीसा में आपका ईस्ट सेंट्रल, अगर आप ईस्ट सेंट्रल की बात करेंगे तो आपका हाजीपुर आ जाएगा, हाजीपुर कहाँ पे आता है आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार की वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ही आपका हाजीपुर आ जाएगा। तो आपका दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ईस्ट सेंट्रल की बात हो रही, इस ईस्ट के सेंट्रल की बात हो रही, सेंट्रल में तो यहाँ मुझे बिहार दिख रहा है ना, बिहार होता है ना, तो फिर बिहार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाजीपुर हो सकता है अगर आपको ऑप्शन में दिख, जैसे मैंने आपको बताया कि हाजीपुर कहाँ पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हाजीपुर आपको मिल जाएगा, तो ऐसा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आपको। कोलकाता मेट्रो तो उसका साफ साफ आंसर दिखा हुआ है, कोलकाता है। कोंकण रेलवे तो कोंकण रेलवे का आपका नावी मुंबई है, एंड वेस्ट कंट्रोल ये सिर्फ एक ही है जो कि आपका जबलपुर में है, ठीक है। बहुत स्पीड में हो गया हर चीजें। देखिए कुछ चीजें और याद रखनी होंगी आपको, पहले तो आप ये पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन अभी बनते हैं करंट अफेयर्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको भी समझाती हूँ कि वो कौन सा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी के एग्जामिनेशन में पहले के पहले जो था वो गोरखपुर था, ठीक है। अब गोरखपुर से भी आगे हमारा एक बन चुका है, तो उसका नाम है हुबली, जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला भी था ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
ठीक है, हुबली वाला, हुबली जो कि आपका कर्नाटक में है, इसका जो नाम है वो है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेशन। तो इसका नाम भी आप देख सकते हैं, मे बी फुल फॉर्म में आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 1507 मीटर इसकी पूरी लेंथ है। ठीक है, जो गोरखपुर था अब इसने उसे डिफीट कर दिया है। अब ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया, इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ऐड कर दिया गया। कब किया गया, 12 जनवरी 2023 में ही हुआ है। ठीक है, 12 जनवरी 2023 में ही इसे ऐड कर लिया गया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की जगह। पहले गोरखपुर था, सेकंड नंबर पे था, अब वो सेकंड नंबर पे हो चुका है, पहले था। इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1366 मीटर है। ठीक है, इतनी थी, अब जो इसकी है वो 1507 मीटर हो चुकी है। तो अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको यहीं कहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डाटा बिल्कुल मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप अभी स्क्रीनशॉट ले, कॉपी पेन लीजिए, समझिए, चीज़ों को नोट करिए, नोट बनाना, प्रिपेयर करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जामिनेशन का स्टेटस देखना शुरू हो चुका है एमटीएस का। अब आपको पता चल चुका होगा कि आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या है, सब प्रिपेयर करना हमें ज़रूरी होगा, है ना। सबसे पहले ये समझिए कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोला जाए तो हमारे भारतीय संविधान, है ना, संविधान बोलते हैं, क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे पूरे रूल्स लिखे हुए हैं कि हमारा इंडिया कैसे क्या क्या करेगा। हर चीज़ का रूल लिखा हुआ है, एवरीथिंग, कुछ भी, कि प्रेसिडेंट की पावर्स कितनी हैं, प्राइम मिनिस्टर की कितनी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें, स्पीकर, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसी में से हर एक भारतीय नागरिक को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स उसका मौलिक अधिकार है, हिंदी में ने मौलिक अधिकार कहते हैं, कि कोई भी नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, उसके पास ये फंडामेंटल राइट्स ज़रूर होते हैं। और हर किसी को, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल पावर हो, उन्हें ये सोचना ही पड़ेगा कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन ना हो, हिंदी में बोला जाए तो उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो आपको अब जैसे हर भारतीय नागरिक को ये सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता भी होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों, अपने लिए पढ़िए, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपकी कंट्री ने, आपके देश ने आपको कौन कौन से राइट दे रखे हैं, है ना। चलो शुरू करें, इतना समझ आ गया आपको, ईजी था ना ये वाला। फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में बोला जाए तो मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक ये होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, पार्ट 3। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल के हिसाब से तो बटा ही हुआ है, साथ ही साथ वो पार्ट्स के हिसाब से भी बटा हुआ है। पार्ट 1 2 3, ऐसे 22 पार्ट्स हैं। तो जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है, जो होता है 1 से लेके 4 तक, उसके अंदर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन और टेरिटरी मतलब ये बताया जाएगा कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट नहीं है, बाउंड्री क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है वो है सिटीजनशिप के बारे में, जो कि है 5 से 11। ठीक है, तो 5 से 11 आपका सिटीजनशिप के बारे में है, कि अगर कोई भारतीय नागरिक है या फिर नहीं है, बाहर का है, तो अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहे तो कैसे लेगा, क्या तरीके हैं उसको लेने के, और अगर वो छोड़ना चाहे, मतलब हटना चाहे तो कैसे होगा, नॉर्मली कैसे छूट जाएगा, कि अगर वो किसी फिक्स ईयर के लिए वो देश से बाहर चला गया तो उसकी सिटीजनशिप हट जाएगी, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर एक्सप्लेन की गई। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इतना ही। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 12 एंड 13, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता आर्टिकल 12 एंड 13 को, बट स्टिल मेरा तो हक है, मेरा तो कर्तव्य है आपको बताना, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है। आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट को समझाया गया। ओके, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट की डेफिनेशन क्या है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तब। इसको पार्ट 4 में भी फर्स्ट जो पहला आर्टिकल है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट का है, कि अगर हम DPSP की बात कर रहे हैं तब वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। ठीक है, तो हर किसी के लिए अलग अलग होगी, हर पार्ट के लिए। तो आपको बस इतना याद रख लीजिए, आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 13 के अंदर लॉ इनकंसिस्टेंसी है विद फंडामेंटल राइट्स, दैट्स इट, बस इतना रेटिफिकेशन रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, स्टिल आप थोड़ा बहुत माइंड में अपने रख सकते हैं। ओके, अब आप ये जानिए कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे पास टोटल 6 राइट्स हैं,
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। साथ ही साथ आप ये भी नोट करिए कि 14 to 18, 1922, ये क्या है, ये आर्टिकल है 23 to 24, 25 to 28, 29 to 30 and 32। ठीक है, अब आप ये भी सुन लीजिए कि पहले जब हमारा संविधान बनाया गया था हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ तो आपने बोला कि 6 ही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट 44 किया गया। ठीक है, अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट के थ्रू, 44 अमेंडमेंट के थ्रू उसको हटा दिया गया और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अब वो कौन सा राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था हमारे पास, आपको दिख रहा है ये, ओके ओके, राइट टू प्रॉपर्टी भी था हमारे पास, जो कौन से आर्टिकल के अंदर, आप खुद नोटिस करिए 29 to 30, फिर यहाँ पे 31 मिसिंग है, सीधा 32 है, तो जो आर्टिकल 31 था ना उसको हटा दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है और उसे एक लीगल राइट बना दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी को अब एक लीगल राइट बना दिया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू। तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो हुआ वो आपको, ये भी आपको याद रखना है। इतना समझ आया आपको? ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये सब आप नोट करते चलिए, साथ साथ में इन सबको नोट कर लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा साइड हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से दिख रहा हूँ। इन सबको नोट करिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट टू इक्वालिटी को उठाएंगे, फिर उसके बाद उसके 14 टू 18 उसके बीच में कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर सकते हैं आप। दिस इज योर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। आपको पता होगा सेकेंड हमारा राइट कौन सा है, राइट टू फ्रीडम। ओके, अब आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बोलो क्या है, कि सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी को क्यों रखा, राइट टू फ्रीडम को क्यों नहीं रखा, है ना, ये आना चाहिए बिल्कुल। ठीक, देखो फ्रीडम ठीक है, बट इक्वालिटी को सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कब हो गया था, 1946 में, हमारे आज़ादी से पहले ही बनाना शुरू हो गया था, एंड देन 1949 में बनकर तैयार हुआ था, है ना, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 years, 3 साल लगे हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए। इसको एग्जैक्टली क्या था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसको एग्जैक्टली याद रख लिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगा। तो जो सिचुएशन थी उस टाइम की, तो आपको पता है पाकिस्तान के साथ हमारा इतना बड़ा झगड़ा टाइप समझ सकते हैं वो हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान एक नई चीज़ बन रही थी, हर जगह से बात हो रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग सा देश बनाया जाए, जब हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा, क्योंकि हर जगह ये भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि हमें अपने पूरे अच्छे तरीके से इक्वालिटी नहीं मिल रही है, समानता हमें कहीं भी फील नहीं हो रही है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इधर जाति की भी भेदभाव चलता है, कि जातिवाद, है ना, ये चीज़ें बहुत चलती हैं कि जाति में बड़ा है तो ये, मतलब अब लॉ के अकॉर्डिंग ना चले बट लॉ के बिना आप आसपास फील कर पाते होंगे सब चीज़ें। तो इसीलिए ही सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने यही कहा कि सबसे पहला राइट हमारा राइट इक्वालिटी ही होना चाहिए। हमारे देश के नागरिक को ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहला ही ये है और हम सब समान हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लॉ की नजरों में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा धीरे समझाती हूँ ताकि अच्छे समझ आए, तो आप स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर वीडियो को पूरा देखना, आधी नॉलेज होना बेकार है, या तो आप शुरुआत में ही स्किप कर दीजिए वीडियो को, अगर आप शुरू कर चुके हैं तो उसको एंड तक देखिए, क्योंकि नॉलेज आपकी आनी चाहिए, चाहे वो मेरी वीडियो से आए चाहे वो किसी और की वीडियो से आए, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस पढ़ते रहिए। ओके, आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि हम सब बराबर हैं लॉ के आगे। इसको ना नोट भी करते रहिए साथ में, मैं साइड होकर पढ़ाती हूँ, ठीक है, आपको क्लियर दिखेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको मना किया गया है कि भाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव बोल सकते हो आप। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमारे देश में, चाहे कोई भी नागरिक क्यों ना, अपॉर्चुनिटी में कोई उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई ज़्यादा अमीर है या जाति में बड़ा है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो नहीं है उसको कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, पहले छुआछूत वाला बहुत होता था अगर आप दलित जाति से हैं या फिर जो दलित लोग हुआ करते थे SC ST के, या फिर कोई अदर कम्युनिटी का भी कोई हो तो उसके साथ भी ये चीज़ें बहुत होती थी, तो अनटचेबिलिटी को मना कर दिया गया कि भाई बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा था, बिकॉज दलितों के साथ कितना बुरा हुआ है ये आपको पढ़ने से ही पता चलेगा, है ना। अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जरा इसको गौर डालिए। हाँ, इसने बोला है कि आप किसी को टाइटल नहीं दे सकते हो, है ना, आप किसी को भी टाइटल नहीं दे सकते हो, बस किस किस को टाइटल दे सकते, अगर वो इंसान मिलिट्री का है, अगर वो कोई मिलिट्री में बहुत ज़्यादा आगे रहा था, उसने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, तो उसे आप कुछ अलग टाइटल दे सकते हो, लाइक शूरवीर या कुछ भी, कोई भी टाइटल आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। या फिर वो अकेडमिक का है, अकेडमिक मतलब किसी भी फील्ड, अकेडमिक फील्ड से रिलेटेड है तब, बट अगर वो ऐसा सोशल वर्कर है, वो सब चीज़ें में आप उसे टाइटल नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो मैं आपको जो बता रही थी, मैं ट्रिक जो बता रही थी, जिस तरीके से मैंने याद किया, देखो उस तरीके से आप सुन लीजिए एक बार, मैंने ऐसे याद किया है। नो डाउट स्पेलिंग आपको बिल्कुल ऐसी याद रखनी है। अब आप कहेंगे डाउट की स्पेलिंग ये नहीं होती, अरे ट्रिक में ऐसा थोड़ी ना होता है। ले डाउट या फिर लॉ डाउट भी कर सकते हैं, 5 letter 5 article, तो L से इक्वालिटी बिफोर लो, डी से डिस्क्रिमिनेशन वाला, ओ से अपॉर्चुनिटी वाला, यू से अनटचेबिलिटी वाला, एंड टी से टाइटल वाला, ल डाउट या फिर लॉ डाउट भी बोल सकते हैं आप इसे अपनी मर्जी से। लॉ डाउट के लॉ पे हमें डाउट हो रहा है, हमें इक्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, हमें लॉ पे डाउट हो रहा है, डाउट की स्पेलिंग इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो लॉ से आपको डायरेक्ट आ जाएगा बिफोर लो, इक्वालिटी बिफोर लो, तो ये आपको याद करने का तरीका है जिससे आपको याद हो जाए। आपको ये तो एटलीस्ट याद ही करना पड़ेगा, 14 से 18 है, ठीक है। तो लॉ डाउट या ल डाउट भी आप तरीके से याद कर सकते हैं। आप चलते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम की तरफ। ओके, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं था नीचे वाला, इसलिए मैंने साथ में ही लिख लिया उसे, ठीक है। सबसे पहले मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे पोस्ट करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम 19 to 22 के बीच में, मतलब इसके बीच में कितने आर्टिकल होंगे, 19 to 22 मतलब कि 4, पर इसके अंदर एक और है एक्स्ट्रा 21A, इसीलिए इसके अंदर 5 articles हो जाते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 rights अगेंस्ट रिगार्डिंग फ्रीडम, तो फ्रीडम के रिगार्डिंग 6 rights की प्रोटेक्शन देता है हमें आर्टिकल 19। वो 6 rights कौन कौन से हैं, देखिए, रेजिडेंस, असेंबली, मूवमेंट, प्रोफेशन, एसोसिएशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक सेकेंड, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा। रेजिडेंस का मतलब आप कहीं पे भी अपने देश के अंदर रह सके, असेंबली बना सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। मूवमेंट, आप किसी भी देश में नहीं अपने देश में किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, आपका मन करे आज कर्नाटक जाने का तो जाइए जी, बिल्कुल कोई आपको नहीं रोक सकता है। प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रोफेशन मतलब कि ऐसा होता था ना, पहले जो जाति होती थी वो प्रोफेशन के हिसाब से बांटी जाती थी, कि कोई अगर कोई धोबी है तो धोबी का काम, मोची है तो उसकी जाति मोची के हिसाब से होती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप किसी भी जाति के हो, कुछ भी चीज़ हो, आप अपने प्रोफेशन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन कर सकते हैं आप। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कि आपको अधिकार है आपकी बोलने का भी और एक्सप्रेस करने का भी अपनी फीलिंग को, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं भाई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको याद कैसे करना है, पहली बात तो इसमें से कभी ऐसा क्वेश्चन उठ के आया नहीं है, सीधा यही पूछ लेता आर्टिकल 19 क्या है, ठीक है, तो 6 rights रिगार्डिंग फ्रीडम के रिगार्डिंग है, बट इसको तब भी याद करने का तरीका है जो मैंने बनाया था, ठीक है, मैं किसी धर्म के स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, जो मैंने बनाया था वो सुन लीजिए। पेन ही चलना बंद हो जाता, ठीक है, यहां से देखो, RAMPAS, राम पास, मतलब राम पास हैं ऐसा करके कुछ, तो उस टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया, तो मैंने क्या, आपको अगर ये ठीक लगे तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो डायरेक्टली याद कीजिए। ओके, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस ऑफ ऑफेंस, तो ऑफेंस की जैसे ही बात आएगी, आपको दिख गया आपके क्वेश्चन जो आया उसमें ऑफेंस वर्ड लिखा हुआ है, सीधा आप आर्टिकल 20 लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। फिर आर्टिकल 21, ये
लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि इसको इन शॉर्ट राइट टू लाइफ कहते हैं, ठीक है, जीने का अधिकार. तो आर्टिकल 21, इससे ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट, आर्टिकल 21, ठीक है. आर्टिकल 21A भी देखने को मिलता है, ए का मतलब अमेंडमेंट हुआ था ना इसमें, इसलिए ये एलिमेंट्री एजुकेशन को बोलता है. एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर किसी बच्चे को देना ज़रूरी है, ओके, ये बोलता है. आर्टिकल 22 आपको जैसे दिख जाए अरेस्ट की बात, डिटेंशन की बात, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 22 लगा देना. ओके, इतना समझ आया आपको. अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो बता देती हूँ मैं आपको. मैंने इस तरीके से याद किया था, ऐसे किया था, फॉलेड, ठीक है, क्या याद किया, फॉलेड. आई गेस दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है, अच्छा चलो अभी ऐसे मैनेज किए. एफ से फ्रीडम के रिगार्डिंग 6 रूल, ठीक है. ओ से ऑफेंस, एल से लिबर्टी, ई से एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डी से डिटेंशन. तो ऐसे फॉलेड करके आप फ्रीडम से याद कर लेना, फ्रीडम की शॉर्ट ट्रिक फॉलेड, तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपको याद, ठीक है. ये मैंने खुद बनाई है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर चाहते हैं आप ये करना तो ये कर सकते हैं, ठीक है. अब तीसरा पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोला जाए तो शोषण. देखो शोषण का मतलब हमेशा रेप ही नहीं होता है, अलग तरीके के शोषण भी हैं, ठीक है, बट ज्यादातर शोषण को ऐसे रेप की तरह देखा जाता है. ओके, आर्टिकल 23 एंड 24 सिर्फ दो ही इसके अंदर आते हैं, ठीक है. आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 क्या कहते हैं, जैसे आपको लगे कि भाई फोर्स लेवल की बात हो रही है या फिर ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, तो आप आर्टिकल 23 लगा देना सीधा, ठीक है. और अगर आपको दिखे कि आपको फैक्ट्रीज की बात हो गई, कि बच्चों को आपको फैक्ट्री पे भाई कोई जॉब नहीं करवानी है, ठीक है, तो 14 ईयर्स वाला, ठीक है, 14 ईयर्स से नीचे किसी बच्चे को आपको फैक्ट्री में जॉब नहीं करवानी है, तो वो आप डायरेक्टली आर्टिकल 24 लगा देना. इसकी कोई ट्रिक ऐसे कोई खास है नहीं इसकी, ठीक है, बस ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना, दो ही तो आर्टिकल याद करना है, डायरेक्टली याद कर लेना, तो अपनी मर्जी से बनाइए कुछ चीज़ें. ओके, अब चलते हैं अपने फोर्थ फंडामेंटल राइट की तरफ. फोर्थ एंड फिफ्थ वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है. 25 to 28, 29 to 30, ठीक है. मोस्टली हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और वेट करिए, खत्म हो जाएगी वीडियो, देन आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई करना, ठीक है. आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोपगेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको ये नहीं रोकेगा, अनटिल एंड अनलेस किसी दूसरे को उससे कोई दिक्कत ना हो रही हो, ठीक है. आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैनेज अगर रिलीजियस अफेयर में कोई दिक्कत आ गई है, अफेयर हो गए रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए आर्टिकल 26, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, एसएससी एमटीएस 2022 का जो एग्जाम हुआ था मई में, उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आया था. बताइए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर का कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल देख के बताना था आपको, ठीक है. आर्टिकल 27, ये क्या लिखा है मैंने, फ्रीडम फ्रॉम, अच्छा फ्रीडम है, सॉरी यहाँ पे फ्रीडम लिख लीजिए, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं प्रसार कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है. तो रिलीजन के नाम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, ओके. फ्रीडम, अब आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूट और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपको पूरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड कर सकते हैं, उसमें वर्शिप कर सकते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है, मंदिर हो गया, मदरसे हो गया, मस्जिद हो गया, किसी भी चीज़ को आपको कोई नहीं रोक सकता, इन सब चीज़ों की फ्रीडम प्रोवाइड की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. चलो अब आपकी ट्रिक की बात कर लेते हैं ना, बहुत टाइम आपने, आप तो ट्रिक ले बैठे हुए हो. फेथ, फेट का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है नियति या किस्मत. तो ऐसे याद रखिए कि हमारी किस्मत होती है ना कि हमें कौन सा रिलीजन मिलेगा, मतलब पैदा होते ही बच्चा अगर किसी हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो वो भी हिंदू हो जाता है ना, बाद में अगर वो चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है. तो फेथ है, नियति है कि कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी रिलीजन में जाने को मिल सकता है, तो ये फेथ से आप याद रख लेना. फोर आर्टिकल, फोर लेटर, एफ से फ्री प्रोपगेशन, ए से अफेयर, ठीक है, अफेयर याद रख लेना, टी से टैक्स, ई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो कुछ भी हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ओके. ये आपकी ट्रिक आपको काम आ जाएगी.
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबसे पहले समझिए होता क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल बनाया है किसके लिए है, ये वाला तो ये माइनॉरिटी के लिए बनाया हुआ है। माइनॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक, मतलब कि जो हमारे भारत के अंदर जिनकी जो संख्या है वो कम है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी चीज होती है, कोई ट्राइब हो सकती है, कुछ भी चीज, तो उनकी माइनॉरिटी में उनको गिना जाता है। मेजॉरिटी मतलब कि लाइक हिंदू, तो उनको मेजॉरिटी में गिना जाता है। तो जिनकी संख्या हमारे भारत के अंदर कम है उन सभी को माइनॉरिटी में इंक्लूड किया जाता है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसको याद करने का तरीका ही, मैं देखो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, सुन लीजिए इसी तरीके से। ये जो इसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दो वर्ड हैं कल्चर एंड एजुकेशन, और दो आर्टिकल है 29-30। तो इन दोनों में बात ही इस चीज़ की हो रही है कि माइनॉरिटी के कल्चर को प्रोटेक्शन देंगे, कल्चर को, एंड उसके एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसे स्टेबलाइज करने का और एडमिनिस्टर करने का पूरा हक है। मतलब जो उसके नाम है वही आर्टिकल 29 कहता है कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसकी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना होगा कि उसकी लैंग्वेज को कुछ ना हो, स्क्रिप्ट जो भी उनके स्क्रिप्चर्स होते हैं, कल्चर उनके कल्चर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े मेजॉरिटी का, तो ये प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 29। और 30 क्या कहता है? माइनॉरिटी को स्टेबलाइज, मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप लगाना चाहे, शुरू करना चाहे कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो इसके नाम में ही इसका वो है, तो उसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली अगर आपको नाम याद है और ये याद है कि 29 और 30 है, तो वहीं से आपका काम बन जाएगा। लास्ट राइट की तरफ चलते हैं। ओके ओके, 6 हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज। एजुकेशनल या फिर एडुकेशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। क्या बोलता है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख देती हूँ। ये आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है कि बताइए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 को बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो इसको इजी तरीके समझिए कि कहता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का जो मुझे सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, उनका वॉयलेशन हुआ है। वॉयलेशन मतलब कि उल्लंघन हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, या फिर मुझे क्वालिटी फील नहीं हो रही है, मुझे किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं प्रोवाइड की जा रही है, इस चीज़। तो मैं आर्टिकल 32 क्या कहता है कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। वैसे कि अगर आपको कोई भी केस करना होता है तो आपको पहले लोअर लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में जाना होता है, उसके बाद आप अपील करोगे हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी आपको, आप जो चाहते थे निर्णय लेना, निर्णय होना, वो नहीं हुआ, तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। ये होता है तरीका। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है कि फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये आर्टिकल आपको 32 प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने सीधा सुप्रीम कोर्ट लिख दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट, एक और चीज लिख देते हैं, राइट वायलेशन। ठीक है, तो वायलेशन, अगर राइट का आपका वायलेशन हुआ तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद हमने बात की थी कि जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं, तो 32 तक ही आपके होते हैं, बाकी के जो 3 हैं वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड नहीं किए जाते, वो अदर में लिए जाते हैं। आर्टिकल 33, 34, 35, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, बट उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि 2/3। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। अगर पॉलिटिक्स रिलेटेड आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरी, जिसमें मैंने पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई है, 5.5 घंटे की वीडियो है, वो जाके उसे देखिए, आपको पूरा पॉलिटी में मज़ा आ जाएगा उसमें। ठीक है, टाइम लगेगा ज़रूर, बट हाँ आप उस वीडियो के बाद बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है, डील्स विद मार्शल लॉ, मार्शल लॉ से डील करता है आर्टिकल 34। ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आता ही नहीं है, बट आएगा भी इन केस आपकी किस्मत खराब हो, यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, तो आर्टिकल 34 आएगा। ठीक है, आर्टिकल 35 के कहते हैं लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू डील विद फंडामेंटल राइट। लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू डील विद फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, इसके आगे और कुछ नहीं। बाकी अब ये जो मैंने आपको पहले शुरू में बोला था, क्या बोला था, 44th अमेंडमेंट जो था, 44th अमेंडमेंट CAA, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या बोला गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है,
राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है ना, और उसे अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, जिसका आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 31 था। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि 44 उसके अंदर हुआ था ये, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया क्यों गया, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया। देखिए, अगर एक चीज़ समझिए, जैसे कि सरकार चाहती है कि एक हाईवे बनाया जाए, ठीक है, एक हाईवे बनाया जाए, और वो ये देख रही है कि उसको बीच में कोई रास्ते में कुछ मजबूरी है या फिर कोई चीज़ रोक रही है, लाइक एरिया चाहिए होता है ना हाईवे बनाने के लिए। तो उनको लग रहा है कि अगर मैं इन दो घर को की जगह जो घर है उसे हटा दूं तो यहाँ हाईवे बनाने के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। बट पहले क्या था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, आप उसकी ज़मीन को ले ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है सरकार ले रही है, वो आपको पेमेंट देगी आपके घर की, है ना, पेमेंट प्रोवाइड करेगी, उसके बाद एक अदर घर भी दे सकती है, ऐसा कुछ करेगी, ठीक है। बट अगर पहले तो ऐसा होता नहीं था, बट अब क्या किया गया, उसे हटा दिया गया। तो क्योंकि देखो क्यों हटाया गया भाई, अगर दो घर है, अगर दो घर हटा के वो हाईवे का काम कंप्लीट हो जा रहा है, उससे बहुतों को फायदा होगा, है ना। अगर वो दो घर को हटा के हाईवे का कंप्लीट हो जाता है, अगर वो दो घर हटाने को मना कर दे, और दूसरा जो तरीका है उसके अंदर कितने लोग घर जा रहे हैं, सोचो आप 100 घरों बर्बाद हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इससे क्या होगा, दो घर को हटाने से ज्यादा सही रहेगा ना कि वो 100 घर को हटाए। तो इसीलिए इसको एक लीगल राइट बनाया गया, ताकि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे जब काम आए हमारे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जब जरूरत पड़ेगी, ऐसे कुछ नई चीजें बनाने की, उस टाइम पे हम किसी का यूज कर सकते हैं, किसी के घर का। अब आप कहेंगे हमारा घर हटा देंगे, नहीं है, आप राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको इतना बस पढ़ लीजिए, आपको बस बता दिया मैंने कि इसे हटाया क्यों, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मेजोरिटी 3 क्वेश्चन देखने को मिला था पॉलिटी सेक्शन से। एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल आर्टिकल से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था SEA से रिलेटेड, और एक और था वो बेसिक, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उससे रिलेटेड आ रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताती हूँ, अगर इन केस आपको यहाँ से क्वेश्चन आया तो प्लीज उसको जाने मत देना, बहुत बेसिक है, इसलिए सेपरेट वीडियो बना रही हूँ और छोटी वीडियो में वाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। डायरेक्टली याद करते हैं, हमें प्रेजिडेंट के लिए जो एज चाहिए होती है वो होती है आपकी, चलता ही नहीं है ये, 35, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की, इनकी भी 35 होती है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी 25 या 30, अभी मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ। लोकसभा के अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको 25 एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको 30 एज होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों लिखा, प्राइम मिनिस्टर को समझ लिए। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन बनता है, मतलब जो भी पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में मेजोरिटी लेती है, ज्यादातर जो केस होता है वो लोकसभा से ही बनता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर बने जाते हैं वो लोकसभा से ही बनाए जाते हैं, तो उसमें एज जो होगी वो 25 ही होगी, ठीक है। बट अगर इन केस राज्यसभा से प्रेसिडेंट को बनाया जा रहा है तो उस केस में जो एज होगी वो 30 चाहिए होगी, ठीक है। इतना समझ आया, इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि अगर लोकसभा से है तो 25 और राज्यसभा से है तो 30। इन जनरल पूछा जाए तो आप 25 डाल देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना ये रिटायरमेंट एज है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अलग से लिख लीजिए सी रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो 65 है, और अगर हाई कोर्ट के जज की बात करें तो 62 है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे नोट पढ़ने वाले हैं। आप जानते होंगे कि आर्टिकल के साथ साथ अमेंडमेंट भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू नो अबाउट दिस, ओके। तो आज हम सारे अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक हमारे अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। हिंदी में अमेंडमेंट को बोला जाता है संशोधन। तो संशोधन मतलब कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और उसको एज अ संशोधन देखा जा रहा है, ठीक है। और वो संशोधन भी ऐसे नहीं होता है, उसके लिए सुपर मेजोरिटी लगती है, ठीक है। पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास टोटल, देखो 104 105 अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास, टोटल इतने अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास। तो क्या आपको वो सारे के सारे याद करने की जरूरत है, क्या ये पॉसिबल है कि हम ये सारे याद रख पाए टिप्स पे, इवन दो आई डोंट नो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे सारे के सारे टिप्स पे, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती हमारे बीच में कोई भी झूठ का रिश्ता हो, ठीक है। तो सब सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे भी सारे याद नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट जो है और बहुत हद तक के याद है, मुझे ऐसी बात नहीं है। बट आपके एग्जामिनेशन में आपको कितने कुछ पढ़ना है, गिनती के आप कुछ पढ़िए, गिनती के मैं आपको 8 देने वाली हूँ,
आठ, इन आठ में से मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगी, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया एग्जाम को, मैं एनालिसिस करने में बहुत टाइम लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए रंग लाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज द 42 अमेंडमेंट। तो ये 42 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। इसके अंदर क्या किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में? हमारे 51A में है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 51A में है, इनको फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जानी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारे कुछ कर्तव्य है अपने देश के लिए, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है। इसके अंदर हमें 10 को ऐड किया गया था। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। ये एक स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसके बाद इसे लाया गया। तो आप लिख सकते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था हमारे अमेंडमेंट में, ठीक है। अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड कर दिया गया था। साथ ही अच्छा, एक और चीज समझिए, बहुतों को लगता है कि एक 42 है तो सिर्फ एक ही चीज हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है। एक अमेंडमेंट के नाम, एक अमेंडमेंट से एक साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी प्रीएम्बल में चेंज किया गया, मुझे लगता है मुझे साइड होके बोलना चाहिए ना, प्रीएम्बल में चेंज किया, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इन तीन वर्ड्स को ऐड किया गया हमारे संविधान में, ठीक है। ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज और ये वाला वर्ड आपको बहुत, मैं तो कह रही हूँ इस पे भी आप स्टार लगाइए, ठीक है। दस मिनट में बता दें बट आप अभी लगा लीजिए इस पे, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं चाहती हूँ आप जाने, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया, जो कि है कि लोकसभा को, अगर आपको पता होगा तो लोकसभा के जो कार्यपाल होता है वो टोटल कितना होता है? 5 साल का होता है, बट 1976 में उसे 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। आप कहेंगे ये तो आपके पास नॉलेज है नहीं, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो 6 साल कर दिया गया था। फिर 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसके अंदर इसको वापस चेंज कर दिया गया था और 6 इयर्स को वापस 5 इयर्स कर दिया गया था लोकसभा की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जान लीजिए बस कि 42 में बदला गया था, फिर वापस उसे बदल के सेम कर दिया गया, ठीक है। 44 में इंपॉर्टेंट क्या? 44 में इंपॉर्टेंट है ये वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी था, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 31, है ना। 29 और 30 तो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट था। आप, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स की वीडियो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है, जाइए चेक कीजिए। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रही हूँ ये चीज, मेरा भी कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यूट्यूब का, ना ही मुझे कोई इनकम मिल रही है, मैं आपके लिए कह रही हूँ। आपका एग्जामिनेशन है, आप जाइए, आपका सिलेक्शन होगा तो मैं चाहूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो जाइए चेक कीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आर्टिकल 31 होता है, जिसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया था। मैंने उसमें समझाया हुआ, मैं यहाँ नहीं समझाना चाहती हूँ, टाइम ज्यादा लग जाएगा। और वो 300A उसको अब चेंज, उसमें उसे डाल दिया गया, उसे लीगल राइट बना दिया गया। आपको इतना क्लियर हुआ? ये दोनों में आपका राइट टू प्रॉपर्टी और ये जो ऊपर वाला 42। अच्छा, 42 को एक और नाम क्या है, आप लिख देना यहाँ पे, आप खुद लिख देना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस थे, मैंने तो आपको तीन लिख के दे सकते, और भी चेंजेस हुए थे, लाइक प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था कैबिनेट से, कैबिनेट मिनिस्टर से, बहुत सी चीजें हुई थी, बट आप ये जान लीजिए। और एक और चीज हुई थी, अब आप जानना चाह रहे हैं तो, लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कुछ के सब्जेक्ट इधर उधर हुए थे, कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डालता है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लाइक एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट टॉपिक है, मतलब वो दोनों साथ में मिलकर इस टॉपिक पर बात करते हैं, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी हुआ था, बट आपको यही जानना है। फिर 52 का जो हुआ था अमेंडमेंट, उसमें था दल बदल कानून, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल में एडेड है। तो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि 10th शेड्यूल के अंदर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। और आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगी कि शेड्यूल को कैसे टिप्स पे याद करना, उसके बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी, बट आप चाहते हैं मैं समझाऊं तो ये भी हो जाएगा। फोर्थ है आपका 61, वोटिंग एज को 21 से 18 इयर्स कर दिया गया था। अगर आपको पहले ये बात पता होगी कि पहले के टाइम पर जो एज थी, जो वोटिंग एज थी, वो 21 थी शुरुआत के टाइम पर, बाद में उसे कम करके 18 एज कर दिया गया था, है ना। अब 18 साल का बच्चे को वयस्क माना जाता है, बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, अब वो वोट दे सकता, तो पहले ऐसा नहीं था, तो इसको चेंज किया गया था 61 में। ऐसे याद कर लो, 61 के अमेंडमेंट में 21 के एज को 18 किया था, 61 21, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ आई गेस, तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, क्लियर है आपको, दिख रहा है, ठीक है। 73 और 74, ये भी इन पे जरा आप, यहाँ पे, यहाँ मैं लगा चुकी हूँ, आपको ये
और ये दोनों पे स्टार लगा चाहिए। 73 में आपका पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। इनको देखो बाद में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था ना, आप समझिए पूरी चीज को, उस टाइम पे हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम पंचायत राज को ला पाए, क्योंकि हम सेंट्रल चीजों को ही नहीं संभाल पा रहे थे उस टाइम पे। तो टाइम के साथ साथ हमने ऐसे ऐसे चेंजेस करे अपने साथ और हम आगे अब डेवलप होते जा रहे हैं, है ना। 24 में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी। अच्छा एक और चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, जो पंचायती राज है वो पार्ट 9th में और म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A में है, और ये 11th शेड्यूल और ये 12th शेड्यूल है। दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ओके अब दिख रहा होगा, 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल, बहुत कंसाइज लिख दिया मैंने, आई गेस थोड़ा ज्यादा कर लिया, थोड़ा सा मैनेज कर लो बस, ठीक है। तो 9th शेड्यूल, 9th पार्ट और 9th ए पार्ट में ये सब आपको याद रखना, ब्रिट्टो लिख लीजिए ऐसे एज इट इज, याद कर लीजिए डायरेक्टली, आपका क्वेश्चन तो यही उठ के आएगा, बताइए 72 में क्या था, 74 में क्या था, पूछ सकता है, इन केस पूछ लेगा कि बताइए कि कौन से पार्ट में है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कभी, बट शुरुआत तो कभी भी हो सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन के, ठीक। 86 में, 2002 में हुआ था, जहां जहां मैं ये सब लिख रही हूँ, ईयर लिख रही हूँ, थोड़ा बहुत माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, ठीक है, मैंने आपको बोला था हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि 10 हमारी 42 में ऐड हो गई थी, उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो हमने ऐड की थी यहाँ पे, ठीक है, और उसी टाइम राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। राइट टू एजुकेशन मतलब कि अब हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है, ठीक है, 14 साल तक बच्चे को दी जाएगी, और यही जो है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी यही है कि आपका हक है, पेरेंट्स को लगता है आपका हक है कि आपका मतलब आपका कर्तव्य है कि आपको अपने बच्चे को 14 साल का है तो उसको काम करवाना नहीं है और पढ़ाई में ज्यादा लगवाना, तो यही है, दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था और राइट टू एजुकेशन भी लाया गया था 21A में, आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन है ना, ये मुझे लगता नहीं मुझे क्लियर समझाने वाली चीज है ये, ठीक है। फिर उसके बाद 11101 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डाल दिया, आप करना चाहे ना करें, मैं आपको यहाँ पे भी तो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट को याद कर लेना, ठीक है। 101 में क्या आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जीएसटी ना, गुड सर्विस टैक्स आई गेस, यही थे, ठीक है। तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता चुकी हूँ, पर ये भी आपका आ सकता है, देखिए ये तो 1 2 3, फिर आप ये वाला कर लो राइट टू प्रॉपर्टी वाला, वो मतलब 5 टोटल, इसमें से भी घुमा फिरा के छोटे छोटे बन जा रहे हैं वो। क्लियर को हम देखने वाले, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब आप बोलेंगे कि आप इसके ऊपर वीडियो बना क्यों रहे हो जब इतना छोटा टॉपिक है। देखिए अब आपको इसका आंसर देते हैं, लुक एट हियर, एसएससी एमटीएस 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 8 मई 2023 में एग्जामिनेशन करवाया, कंडक्ट करवाया गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये एसएससी एमटीएस की बात कर रही हूँ, उसमें एक क्वेश्चन आया था और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन की वेटेज है, ठीक है। हाउ मेनी फील्ड प्लेयर्स आर देयर इन अ फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम के अंदर कितने फील्ड प्लेयर्स होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। अब समझ आया मैं इस बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ, ओके। सो अब इस क्वेश्चन को अगर किसी को इसकी छोटी सी नॉलेज नहीं होगी तो फिर तो रह जाएगा ना वो क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसमें बना रही हूँ, क्योंकि अगर फिर से एमटीएस ने इसका अगेन कंडक्ट करवाया और ऐसा रिलेटेड कोई टॉपिक उठाया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, सीरीज जरूर चेक कीजिए जाके, सीरीज में मैं क्या क्या डाल रही हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करने के बाद ही डाल रही हूँ, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि आप ये क्यों पढ़ा रही हो और क्यों पढ़ा रही हो, कैसे पढ़ा रही हो, ओके। सो इन सबको नोट कर लीजिए, 8 के 8 यही आपके मेन है जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स, कॉपी पकड़िए, पेन पकड़िए, नोट कीजिए, साथ साथ नोट करते हैं, ठीक है। फुटबॉल टीम के अंदर हमारे 11 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, ठीक है, इन तीनों में ही 11 11 प्लेयर्स होते हैं, तो इनको एग्जैक्टली याद कर लीजिए, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, तो ये 11 11 क्वेश्चन कर। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, 2 आंसर था, जिसको ये नॉलेज होगी, वैसे मोस्टली लोगों को ये नॉलेज होती है, बट जिसको नहीं होगी वो वहां से चुक जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर आसपास के ऑप्शन भी है, 12 भी लगा सकता है कोई, ठीक है। देन उसके बाद बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, इसको आपको याद करना है, ऐसे याद कीजिए 5 6, बास्केटबॉल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वॉलीबॉल, तो 5 और 6 के हिसाब से आपको याद करना है यार, ठीक है। ये चारों आपके ज्यादा चांस चाहिए कि शुरुआत का ही फिर से पूछे, और नहीं तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल से क्वेश्चन उठा सकते हैं। पोलो वाटर पोलो, इसको भी देख लीजिए, देखो POLO 4 लेटर्स, तो इसमें फ्लो 4 प्लेयर, तो
ठीक है, ट्रिक की तरह समझा रही हूँ, मे भी आपको यूजफुल लगे, नहीं लगे तो डायरेक्टली याद कर लीजिए। अब वाटर पोलो, अब आप बोलोगे यहाँ से 5, यहाँ से 4, 9 हो गए, तो 9 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसी के लिए ये चीज थी। यहाँ पे आके आपके 7 हो जाते हैं, पोलो में आपके 4 होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं। लास्ट वन इज रग्बी फुटबॉल। देखो ज्यादा चांसेस नहीं है इसके आने के, बट स्टिल रिलेट कर रहा था तो मैंने कहा आपको इसमें से क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। रग्बी फुटबॉल जो है उसके अंदर आपके 15 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। फुटबॉल में आपके 11 होते हैं एंड रग्बी फुटबॉल में आपके, इम्पोर्टेंट है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि आप 2011 का डाटा ही क्यों कह रहे हो, हर 10 साल में जब आपके सेंसेस होते हैं तो आप 2011 का डाटा क्यों दिखा रहे हो। देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 में ही हमारा लास्ट सेंसस डाटा हुआ था, उसके बाद हमारा सेंसस डाटा नहीं हुआ है। 2021 में होना था बट पेंडेमिक की वजह से, कोविड आने की वजह से हमने इसे नहीं किया और इसे पोस्टपोन किया गया। पता नहीं कब होगा बट जल्द ही होगा, बट जब तक आपका 2011 का सेंसस डाटा चल रहा है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तब तक मैं आपको समझा देती हूँ उस एग्जामिनेशन में यूज करना। क्या क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट, इन 4 टॉपिक के ऊपर एग्जामिनेशन से क्वेश्चन उठ के आता है। उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशियो, जहां से हर एग्जामिनेशन को बहुत पसंद है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन उठ के जरूर आता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जरूर प्रोवाइड करूंगी एग्जामिनेशन में, पहले आप समझ लीजिए आपको याद क्या करना है। एग्जामिनेशन में आपको स्टेट्स रिलेटेड चीजों को याद करना होता है, स्पेसिफिकली यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखा गया बट आप अपने मन में रख सकते हैं, नहीं करना चाहे तो स्टेट ही याद करके जा सकते हैं, बट मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। सर सबसे पहले हम पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉपुलेशन से याद करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर आपका यूपी, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा आई है हमारे स्टेट में। अब देखो स्टेट मतलब सबसे ज्यादा मतलब ये, सबसे कम मतलब पी है, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। और कौन से स्टेट की जो पॉपुलेशन सबसे कम आई है, वो है हमारा सिक्किम, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी का मतलब है उस एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब कितना ज्यादा, कितने दूर दूर वो लोग हैं, या एक एरिया में कितना ज्यादा घनत्व है, ऐसा करके। तो डेंसिटी में आपका सबसे ऊपर आया है बिहार, एरिया कम है जितना एरिया तब भी उसमें ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं, यूपी से रिलेटेड उसकी पॉपुलेशन नहीं है बट जितना एरिया उसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं। और सबसे कम किसका पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ में नोट करते चलिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यूटी का भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया पर तब भी ध्यान में रख सकते हैं। यूटी में चाहे पॉपुलेशन हो या पॉपुलेशन डेंसिटी हो, सबसे ज्यादा दिल्ली ही है, आपको पता होगा दिल्ली को अब यूटी बना दिया गया है, अब वो स्टेट नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली जो है आपकी वो दोनों में ही आगे है। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में सबसे कम कौन सी यूटी है, तो वो है लक्षद्वीप, कौन है वो, लक्षद्वीप। और उस यूटी की बात करें, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि बहुत कम लोग है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इतना समझ आया आपको, इसे नोट करिए, ठीक है, और इसको जरूर से जरूर याद करके ले जाना। बच्चे इस चीज को ना ग्रांटेड ले लेते हैं और एग्जामिनेशन में देख के फिर उन्हें दुख होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से मार्क्स बन जाता है या फिर गलत लगा के चल जाते हैं। इन दोनों को तो जरूर याद कर लेना, यूटी वाला आपको ऑप्शनल है, याद कर पाओ तो कर लीजिए, नहीं कर पाओ तो छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं सेक्स रेशो और लिटरेसी रेट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो चल रहे हैं, आप इसे नोट करिए। अब चलते हैं सेक्स रेशो की तरफ और लिटरेसी रेट की तरफ। सेक्स रेशो मतलब 1000 लड़कों पर कितनी महिलाएं उपलब्ध हैं उस स्टेट में, उसको बोलते हैं, जो कि होना तो चाहिए 1000 और 1000, मतलब 1000 ही पुरुष होने चाहिए, 1000 ही महिला होनी चाहिए, या ज्यादा आगे पीछे होता रहता है, तो वो हमें देखना है कि किसका ज्यादा अच्छा है। तो सेक्स रेशो हर एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
कुछ आप पूरी वीडियो में से कुछ ना भी याद कर रहे हो ना, सेक्स रेशो के ये दो पॉइंट जरूर याद करके ले जाना, बहुत ज्यादा चांसेस है हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन उठने की। तो सेक्स रेशो की बात करें तो स्टेट जिसमें सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है वो है हमारा केरला, और जिसमें सबसे कम है वो है हरियाणा। ये हरियाणा वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सेक्स रेशो बहुत कम है, तो वो हरियाणा ही है। अब लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, कितने लोग पढ़े लिखे अपना नाम लिखना जानते हैं, थोड़ी बहुत चीजें लिखना जानते हैं, तो उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में जो स्टेट है, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो देखिए जिसका सेक्स रेशो ज्यादा होगा उसी का ही लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है बट केरला के केस में ऐसा है, बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सेक्स रेशो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी ज्यादा है। स्टेट जिसकी लिटरेसी रेट बहुत कम है वो है बिहार, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ शायद उसके 62% लिटरेसी रेट है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं बिहार के अंदर। पर आप कहेंगे बिहार के लोग ही ज्यादातर आईएएस बनते हैं, कम पढ़े लिखे कैसे, देखिए जो भी लोग पढ़ रहे हैं जितने भी लोग हैं वो पढ़ने वाले वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि वो इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। यूटीज की बात कर लेते हैं, यूटीज अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें बट तब भी देख लीजिए एक बारी। यूटी में जिसका सेक्स रेशो ज्यादा है वो है पुदुचेरी, और यूटी में ही जिसका सेक्स रेशो बहुत ज्यादा कम है वो है दादरा दमन एंड दीव। ये लिख लीजिए आप, यूटी में लिटरेसी रेट किसका ज्यादा है, देखिए लिटरेसी रेट उसका ज्यादा है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम था। बहुत अजीब बोला ना मैंने, लक्षद्वीप मतलब लक्षद्वीप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है ना, पर तब भी जो भी लोग हैं वहां पे वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, लिटरेसी उनकी अच्छी है, तो इसीलिए यूटी में आपका लक्षद्वीप आ गया। यूटी जिसका सबसे कम लिटरेसी रेट है वो है आपका दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो आप लिटरेसी रेट सेक्स रेशो को जरूर से जरूर याद करके जाना, वैसे करना तो आपको सभी चाहिए, एक बार याद कर लीजिए, जब तक सेंसेस नहीं होते हैं तब तक जो भी एग्जामिनेशन में आप पार्ट लेंगे उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने की जरूर संभावना होगी, एक बार याद कर लीजिए। ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं दे रही हूँ, शॉर्ट में ही समझा रही हूँ क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा बहुत सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना और ग्रामीण विकास योजना, ये छोटी छोटी चीज है जो कि नाम में इनके आंसर मिल जाते हैं किससे रिलेटेड होंगी। यहाँ कुछ अदर नाम है जो कि बहुत लेटेस्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आया है, पहले भी आया है 2022 में भी आया है, अब की बार भी आएगा क्योंकि अभी भी कंटिन्यू कर रही है, तो देख लें एक बार, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आई डोंट थिंक सो किसको भी समझाने की जरूरत है, मतलब इंडिया को अब डिजिटल बनाना है, हर चीज की जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए, और किसका हो रहा है, भीम यूपीआई का, भीम यूपीआई से रिलेटेड किसी भी चीज का क्यों ना हो, चाहे हम कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई ट्रेवल हो, मतलब हम जो चीजें करें वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू होनी चाहिए हमारा काम, तो उसकी बात हो रही है। मैं आपको यहाँ क्या देने वाली हूँ, मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ, अगर पूछा जाएगा कि बताओ, वैसे क्वेश्चन क्या आया था, मतलब जो भी दो तीन बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो ये आए थे कि बताइए कि ये वाला टॉपिक किससे रिलेटेड, किस चीज की बात हो रही, डिजिटल वाला नहीं आया अभी, मे बी आ जाए बट अभी और देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिल, दो दिल लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, आपको जो मन करे वो लगाइए। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम क्या है, देखो सबसे पहली बात ना, वो कोई ऐसा नाम आपको जरूर देंगे जिस नाम को पढ़ने के बाद आपको गेस ना लग पाए कि किस चीज का, अब डिजिटल वाले को पढ़ के आपको गेस लग गया कि हाँ ये डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही होगी, ट्रांजेक्शन की बात हो, गेस लग जाता है। स्टैंड अप इंडिया आपको गेस ही नहीं लग पा रहा, बस ये कि किस चीज को उठा रहा है, किस चीज को उठा रहे हैं, माइनॉरिटी को, शेड्यूल क्लास को, शेड्यूल ट्राइब को, विमेन्स को, किसी को नहीं पता, तो यहां से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं आप कैसे पता चलता है कि हमारा एग्जामिनेशन क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो होता है एससी एसटी के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उनको रिजर्वेशन या फिर जो भी उनको सुविधाएं प्रोवाइड करके उन्हें अपने स्तर तक लाने के लिए ये स्कीम को लागू किया गया, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। डन, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक ही बार में याद कर लीजिए। स्टैंड अप किसको स्टैंड अप कर रहे हैं, एससी एसटी को बोल रहे हैं कि चलो भाई हमारे साथ चलो, आप हमेशा से हमारे साथ थे, आगे भी हम साथ रहेंगे, ऐसे ही मेहनत करेंगे, ठीक है।
स्टेट स्कीम, इस स्कीम का मतलब क्या? देखो मैंने यहाँ पे सीबीजी लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कुछ हिंट दे रही हूँ मैं आपको, आप डायरेक्टली अपने नोट्स में ऐसे लिखना, आप मुझसे नोट्स के लिए मांगते, जब तक आप खुद से नोट्स बनाने की आदत नहीं डालेंगे ना, जब तक आप नहीं कर पाएंगे रिविजन किस चीज की। पीडीएफ से आप कुछ मत भागिए, एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, कंसाइज नोट बनाइए, जितना छोटा करके लिख सके उतना छोटा करके लिखिए। इतना सा मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, आप उसमें मेरे से नोट्स मांग रहे होते हैं। सीबीजी का मतलब क्या है? स्टेट स्कीम क्या कहती है कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन को और इफेक्टिव बनाना है और सीबीजी का यूज करना है। सीबीजी मतलब कंप्रेस्ड बायो गैस, क्लियर? कंप्रेस्ड बायो गैस, कंप्रेस्ड बायो गैस का यूज करने का जो प्रमोशन कर रहा है वो स्टेट स्कीम कर रहा है, दैट्स इट। इतना ही आपको रखना, आपको लगे कि वर्ड में कहीं पे पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, या फिर पूछ लिया कि सीबीजी का कहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, या फिर स्टेट स्कीम क्या बोलते हो, तो आप डायरेक्टली सीबीजी वाले पे टिक लगा के एंड दैट्स इट फॉर यू। ओके, आयुष्मान शंकर स्कीम, या फिर इसको आयुष्मान भारत स्कीम भी बोलते हैं, या फिर आयुष्मान शंकर स्कीम भी बोलते हैं, ये अभी की स्कीम नहीं है बट आ सकती है, ठीक है। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको दो निकाल के दे दूं और बोलो कि बस इन दोनों को याद कर लो, मैं इसलिए ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ कि अगर यहां से नहीं आया तो यहां से आएगा, यहां से नहीं आया तो यहां से आएगा, ठीक है। आयुष्मान शंकर स्कीम क्या है? ये देखो मैंने आप यहाँ पे हिंट लिख दिया, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, मतलब हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ये ज्यादातर बड़ों लोगों के लिए। आयुष्मान भव, हम बोलते हैं ना आयुष्मान भव, मतलब लंबी आयु रहे आपकी, स्वस्थ रहे, तो उससे आप आइडिया लगा लेना कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, मेडिकल, जो भी चीजें हैं, मतलब बजट काफी अच्छा निकला गया आपके बारे में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। उड़ान स्कीम, अब देखो नाम से पता चल रहा है उड़ान स्कीम, पॉसिबिलिटी कम है आएगा, बट इनकेस आ गया तो और अच्छी बात है। उड़ान स्कीम मतलब कि इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं किस चीज की बात हो रही है। उड़ान स्कीम के अंदर बात ये करता है, कहता है कि हमें जो हमारा जो एयरलाइन है, जो कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर जहां भी हमारा जाना होता है, टूरिज्म होता है, वो हमारे एयरलाइन के थ्रू होता है, उसको हमें अफोर्डेबल बनाना है और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड करना है, मतलब उसे और फैलाना है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन का यूज कर पाए और ज्यादा उसका फैलाव कर पाए, फैलाव मतलब उसका जो एयरलाइन है वो ज्यादा दूर दूर तक जा पाए, ज्यादा लोग आ पाए, उसकी बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं उड़ान स्कीम। हिंदी में लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म बना लिया, आपकी इच्छा जो आप करना चाहें। मिशन सागर, अब ये मिशन सागर आपको लगेगा कि नेवी की बात हो रही है ना, नेवी से रिलेटेड आप मैम बोले बता देंगे और हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मे बी ये क्वेश्चन आपको आ जाए। ये आया था COVID-19 के टाइम पे, जिस टाइम पे हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को थोड़ी बहुत हेल्प या फिर रिलीफ प्रोवाइड कर रहे थे थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू फूड सप्लाई और इट कैन बी एनीथिंग। तो हम जब COVID-19 के टाइम पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे या फिर हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे अपने नेबरिंग कंट्रीज को, उसको बोलते हैं मिशन सागर, बिकॉज पानी के जरिए हो रहा था इसीलिए। यहाँ पे भी आपका देखो ये वाला ज्यादा, इसके बाद आपको ये आ सकता है, आपका मिशन सागर आ सकता है। देखो आने को तो सारा है बट मैं इसमें से भी मेन मेन बता देती हूँ, यहाँ यहाँ से आपको क्वेश्चन उठ के आ सकता है। डिजिटल वाले के चांसेस कम है और आयुष्मान के भी कम है, बिकॉज पहले से हैं, अभी से नहीं चल रहा है। और कि बताइए कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जो इस भरतनाट्यम या फिर किसी कथकली किससे रिलेट कर रही है, तो वो सारे आपको कैसे याद करना है, बिकॉज बहुत सारे हैं, तो हमें कौन कौन से करना है कि वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो को प्रिपेयर किया है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो क्लासिकल डांस फॉर्म, जैसे कि हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से ये टॉपिक उठाया जाता है, एक क्लासिकल डांस फॉर्म और एक फोक डांस वाला। यहाँ से आपको दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादातर ये होता है कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म वाला है उसमें फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तब भी मैं आपको पूरा समझाऊंगी ताकि कहीं से भी उठ गया तो आपको क्वेश्चन रह ना जाए। स्टार्ट करते हैं। द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ठीक है। तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इसको कहाँ से ओरिजिनेट किया गया, कहाँ से हमें पता चला कि यही हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो एक बुक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य मतलब कि नृत्य से रिलेटेड होता है, तो नाट्य शास्त्र की बुक के अंदर ये सारे के सारे 8 के 8 मेंशन किए गए हैं कि ये वाले हैं। और ये किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है, वो लिखी है भरत मुनि ने, ठीक है, ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन उठ के नहीं आता है बट इन केस आ गया तो वो आपके हाथ से ना जा पाए। किसी भी टॉपिक को इस तरह करिए कि अगर वहां से क्वेश्चन उठ के आया ना तो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हाथ से चला गया तो फिर दुख होगा कि भाई मेहनत करी क्यों उस टॉपिक पे, जब उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही ना कर पाए, ठीक है। तो देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म, हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम
कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया एंड मणिपुर ओडिसी। तो हमारे आठ के आठ हैं, आपको आठ के आठ के नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो साथ ही साथ इन सबको नोट कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, लिखिए और इन सबको नोट कीजिए, इन साथ साथ में लिखते हैं आइए, ठीक है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो हमारा है तमिल नाडु का, ठीक है, टीएन लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो उनको शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, जितने कंसाइज नोट्स बनाएंगे, जितने छोटे नोट्स बनाएंगे आप उतनी बारी से फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे। आप खुद सोचिए, आपने नोट्स बना दिए पूरी दो कॉपी भर के बड़ी बड़ी, आपको खुद ही मन नहीं करेगा यार इतना सारा याद करना है, बट उन्हें कोई आप चिपका चिपका के लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि बस इतना सा ही पढ़ना है। तो ऐसी चीजें करिए ना जो चीज आपको मोटिवेट करे कि पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। भरतनाट्यम का तमिलनाडु, कथक जो है वो हमारा नॉर्दर्न रीजन का, और ऐसा बोला जाता है कि यूपी का है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन यूपी का हमारा कथक है। देन कथकली, देखिए कथक और कथकली दोनों दोनों अलग है बिल्कुल। जो कथक है वो नॉर्दर्न रीजन का है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न रीजन का, और कथकली जो है वो हमारे साउदर्न रीजन का है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कथक और कथकली बिल्कुल सेम ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कथक आपका यूपी का है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, देखो मैंने इन दोनों को एक साथ ही लिखा है क्योंकि ये दोनों ही केरला के हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके केरला के हैं। अब आप किसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपके केरला के हैं, ठीक है। कथक का तो आपको एग्जैक्टली याद तो नहीं, हर जगह पर ट्रिक काम नहीं आते, कहीं का भी एग्जैक्टली रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक लगती है। कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों आपके केरला के। देखो मैंने जिस तरीके से याद किया था ऐसे करा था कि मोहिनी ने कथक किया केरला में, तो मोहिनी मतलब मोहिनीअट्टम, कथक तो नॉर्मल कथक, कथकली तो कथकली बोलना, ठीक है, कथकली भी बोल सकते हैं कि मोहिनी ने कथकली किया केरला में, ऐसा करके कथक से तो आप उससे रिलेट कर जाएंगे ना। हाँ, तो मोहिनी ने कथकली किया केरला में, तो दोनों ही आपके केरला से हैं, ठीक है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नाम सुन के आपको कैसा लग रहा है, कहाँ का हो सकता है, देखो साउदर्न रीजन का तो है ही, कहाँ का हो सकता है। देखो जो वाले नेम नहीं आते ऐसे कुचिपुड़ी, अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया ऐसा वाला रेड्डी वाला टॉपिक, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी इसी में होने वाला है, ठीक है। रेड्डी वाले जो नाम होते हैं रेड्डी, और एक और चीज करी हमने कोलेरू करके एक हमारी लेक है उसके बारे में पढ़ा था कि वो भी आंध्र प्रदेश में है, तो ये नाम से पता चल जाता है कि ये भी आंध्र प्रदेश में है। ओके, सत्रिया, देखो ज्यादा से ज्यादा इन सब में से सत्रिया क्वेश्चन को पूछा जाता है क्लासिकल डांस फॉर्म में कि ये कहाँ का है, ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताते भी चलूंगी कहाँ से आएगा, तो ये आपका आसाम का है, सत्रिया आपका आसाम का है, एंड मणिपुरी ओडिसी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस है, ओके कॉमन सेंस वाली बात है, मणिपुरी है तो मणिपुर, ओडिशा ओडिसी है तो ओडिशा। ठीक है, इन सबको आप नोट कीजिए, बस ये वाली कुछ कुछ ट्रिक्स है जो आप याद रख सकते हैं, बट इनको एग्जैक्टली भी आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं फेमस डांसर्स की तरफ, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठ के आता है, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है, और ये मैं बताऊंगी कि ज्यादा चांसेस किसके हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने के। सो पॉज करिए वीडियो को और इसे नोट करिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पोस्ट करके वीडियो को उसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही आपको पढ़ना है, ये लीजिए पोस्ट करिए और इसे लिखिए, उसके बाद समझिए। मैं इनमें से भी आपको मेन मेन बताने वाली हूँ कि इसमें से भी कहाँ से उठ के आएगा। ओके, पोस्ट कर लिया आपने, ठीक, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कथक से। कथक के लिए बच्चे बच्चे को पता रहता है कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है इसमें, है ना, और हाल ही में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपके बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है। तो आप याद रखना पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक से एसोसिएटेड थे, ज्यादा चांसेस है बिकॉज उनकी डेट अभी रिसेंट ही हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने के चांस है, ठीक है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, फिर उसका सितारा देवी, इनको क्वीन ऑफ कथक कहते हैं, तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। पंडित शंभू महाराज, तो देखो जहां पे भी आपको महाराज महाराज करके दिख जाए तो समझ जाना कि वो कथक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पंडित शंभू महाराज जो हैं वो कथक से एसोसिएट है। उसके बाद कुमारी कमला एंड शवाना नारायण, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत के तीन है जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ,
इस पे भी नजर डाल लेना। ओके तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप एमटीएस लेवल की सोच रहे हो तो पंडित बिरजू महाराज ही सोच लीजिए, उसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना डीप नहीं जाता। नेक्स्ट हमारा है भरतनाट्यम। अच्छा कथक कहाँ का था? कथक याद करो, यूपी का है ना, नॉर्दर्न रीजन का है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु का। ठीक है, इसमें रुक्मणी देवी अरुंधले, मतलब इसके अंदर रुक्मणी देवी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, इनको तो स्टार लगा लीजिए। अगर भरतनाट्यम से क्वेश्चन उठ के आएगा तो वो यहीं से पूछेंगे, क्योंकि इनको नॉमिनेट भी किया गया था 1952 में आरएस में। ये रुपीज नहीं है, आरएस है। आरएस मतलब राज्यसभा के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया था। ये पहली महिला थी जिनको नॉमिनेट किया गया था आरएस के अंदर, मतलब राज्यसभा के अंदर 1952 में किया था। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस पर भी ध्यान दे लेना। विजयंती माला बाली, ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके। लीला सैमसन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के तीन आपके इंपॉर्टेंट है, नीचे के आप नजर डाल सकते हैं। पद्म सुब्रमण्यम, तंजोर, बाला सरस्वती, अलरमेल वैली, इनसे भी आप नजर डाल सकते हैं, बट शुरुआत के तीन तो आप जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, अगेन देखो कुछ कुछ को मैंने बोला था सिर्फ एक ही याद करके जाइए, वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। जैसे ओडिसी के केलु चरण मोहपात्र। अब आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी बार जो एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी का, एसएससी एमटीएस का जो 2022 का कंडक्ट करवाया था मई में, उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था कि जो केलु चरण मोहपात्र थे वो किस किस क्लासिकल डांस फॉर्म से एसोसिएट करते हैं। तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताना था, आपको जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपने प्लेस चेक नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिए, फर्स्ट जो वीडियो है ना उसमें पूरा समझा हुआ कि एग्जामिनेशन में आया क्या गया था। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न हुआ है। ओके, तो इसमें तो आपको इंपॉर्टेंट क्या, ये तो एक ही है तो यही इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपका सत्रियागी कहाँ का डांस है? आसाम का। तो इसमें श्री माता शंकर देव, ठीक है, तो श्री माता शंकर देव जो है इसके अंदर सत्रिया के सबसे फेमस है। ठीक है, आपको ये चारों समझ आ जाएगा। अब नीचे की चारों देखते हैं। फिर आते हैं मणिपुरी, मतलब मणिपुर। फिर उसमें दर्शन जावेरी, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ यही वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है, दर्शन जावेरी। फिर उसके बाद निर्मला मेहता और सविता मेहता। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि देखो मोहिनी अट्टम से तो नहीं, पर मणिपुरी में एम से मेहता, एम से मेहता करके, ठीक है, ऐसा कुछ बना सकते हो। निर्मला मेहता, सविता मेहता, इनको कर सकते हो, और गुरु विपिन सिन्हा, ये भी देख सकते हो। शुरुआत वाला तो जरूर देखना है आपको, दर्शन जावेरी करके। ठीक है, फिर आपको कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी अभी हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का है। प्रोनाउंसिएशन कितनी प्यारी सी लगती है ना इसकी, कुचिपुड़ी। इसमें जैसे मैंने बोला था रेड्डी वाला, जो मैं आपको बोल रही थी ना, वो यहाँ पे राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, ये तो क्या बोलूं मैं इस पर, आप किडनी लगा लीजिए, दिल लगा लीजिए, जो आपका मन करे वो लगा लीजिए। कुचिपुड़ी से क्वेश्चन आएगा तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, बाकी पे भी आप नजर डाल सकते हैं। गुरु वेम्पटी चिन्ना सत्यम और वी सत्यनारायण शर्मा, इन पे भी नजर डाल सकते हैं। स्टार्टिंग वाला ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथकली के मुकुंद राजा, इसके अंदर क्या बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही तो लिखा हुआ है सबसे मेन। फिर मोहिनी अट्टम में भी कल्याणी कुत्तू कुत्ती अम्मा, मतलब इसके अंदर ना नीचे का नाम रहा वो कलमंदलम ऐसा करके नाम लिखा पूरा, पर आप अम्मा से करके याद कर सकते हैं। मोहिनी अट्टम से आएगा तो अम्मा से रिलेटेड कुछ आएगा, नहीं तो कल्याणी कुत्ती अम्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लेयर, हमारे पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही साथ उनके बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं, तो क्या हमें सभी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, सब करना पॉसिबल है नहीं किसी के लिए भी। ठीक है, अगर वो ये सोच के पूरा सब्जेक्ट छोड़ के सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करने लगा तो मे बी उसे याद हो जाए, बट हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और ये टाइम जो है बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम। सो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम बता दूंगी, ये सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, सीजीएल, CHSL, इन सब में भी सारे नाम यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। तो पूरा एनालिसिस करके, ये बहुत रिकमेंडेड वीडियो थी, बार बार इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, बट मुझे टाइम लगा इस पे एनालिसिस करने में। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, सबसे पहले आपका शहनाई। ठीक है, तो शहनाई पहले देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चारों को मैंने एक साथ लिख दिया। इसके अंदर वीडियो के साथ साथ चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, तो साथ साथ चलते चलते बताऊंगी मैं आपको। शहनाई, बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप एमटीएस के लिए सोच रहे हैं तो बिस्मिल्ला खां इज सफिशियंट, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्ला खां एंड अली अहमद हुसैन। अगर हम सरूद की बात करें तो अहमद अली खां और अली अकबर खां, तो अहमद अली खां वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है
सरूद के अंदर जो आपको फर्स्ट फर्स्ट दिख रहे हैं ना, इन सभी के ये फर्स्ट फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको फर्स्ट पे रखा गया। ठीक है, तो अली अकबर खां, संतूर, संतूर में शिव कुमार शर्मा, आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा ज़्यादातर, ये PYQ में रिपीट भी हुआ है शिव कुमार शर्मा वाला, और राहुल शर्मा और भजन सुपारी। भजन सुपारी CGL के एग्जामिनेशन में था, राहुल शर्मा भी CGL में था, शिव कुमार शर्मा ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, सारंगी राम नारायण एंड उस्ताद बिंदु खां। ठीक है, तो राम नारायण भी आपका PYQ में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, बार बार क्वेश्चन इसमें देखा जा रहा था। फ्लूट मतलब बांसुरी की बात हो रही, हिंदी में लिख सकते हैं आप। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से पन्ना लाल घोष आपका CGL में आया हुआ है, ये वाला आपका MTS में पूछा गया था, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो फ्लूट वाला आप देख सकते हैं। तबला के लिए जाकिर हुसैन, मुझे लगता नहीं जाकिर हुसैन का मुझे बताना चाहिए कौन है, बिकॉज हम सभी इस नाम से फेमिलियर है, और तबला का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका जाकिर हुसैन से ही आएगा। और ये किशन महाराज तो मैंने एडिशनल लिख दिए क्योंकि ये भी CGL में रिपीट हो रहा था, तो मैंने कहा आपको दे देती हूँ, इनकेस अगर आप कभी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो यहीं का टॉपिक आप पढ़ के आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप MTS के लिए सोच रहे हैं तो जाकिर हुसैन इनफ होगा आपके तबले के लिए। बीन, बीन और वीना, ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे, अगर हम रुद्र वीना बोलते हैं तो उसे बीन बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। असद अली खां, जिया मोइदुद्दीन खां, ठीक है, तो असद अली खां ही आपको बीन से मिल जाएगा। वॉयलिन MS गोपाल कृष्णन एंड लालगुड़ी जयरा मन, ठीक है, तो इसमें आपका MS गोपाल कृष्णन ही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। सितार के अंदर पंडित रविशंकर, ये जो सितार वाला मैंने इसको इतना एंड में इसलिए लिखा बिकॉज आप देख पा रहे हैं इसके कितने सारे हैं, इस टॉपिक से सितार से बार बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए जा रहा है MTS के अंदर, चाहे वो कोई सा भी SSC बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने सबको डाल दिया कि इनके हिसाब को कोई सा भी आ जाए तो ये सारे ही क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर MTS के लिए डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। हरे शंकर, विलायत खां, मुस्तक अली खां एंड बनर्जी, विजिबल है आपको। ओके, तो ये सब चीज़ें, तो देखो जो भी इसके फर्स्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है इन सबके, वो फर्स्ट फर्स्ट वाले तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप MTS के लिए सोच रहे हैं तो वो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जो भी आपको डाटा दिया है ना, जो भी आपको मैंने डाटा लिख के दिया है, उसको एज इट इज याद कर लीजिए, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ओके, फोक डांस, देखो आप देख पा रहे होंगे मैंने इतना बड़ा कंटेंट लिखा भी नीचे भी है, जो कि भी मैं बाद में दिखाऊंगी जब पढ़ाऊंगी उसे। इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए लाना चाह रही थी बिकॉज मैं इनमें से एक दो नहीं दे सकती हूँ आपको कि ये कर लो और ये कर लो, यही आएगा यही आएगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें आपको इतना सारा कंटेंट, तब भी मैंने बहुत कम करने की उसे कोशिश करी है, बट उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी क्या क्या बार बार PYQ में रिपीट हो रहा है ताकि आप उस पर ज़्यादा जोर दे सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं, टोटल 16 है अभी आपको जितने विजिबल है। ओके, बट जब नीचे करूंगी मैं इसे तब आपको वो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बिहार से शुरू करते हैं। जात जतिन, ठीक है, पनवरिया, साम चकवा एंड विदेशिया। ठीक है, तो ये जात जतिन वाला क्वेश्चन आपको PYQ में बार बार देखने को मिला है, मैंने जब मैं क्विज करवा रही थी टेलीग्राम पे तब भी मैंने दिखाया था। ठीक है, इसमें दिया था गुजरात, गुजरात का देखो बहुत सेम से, मैं स्पेन ड्राइव कर देती हूँ एक बार। गरबा, डांडिया, भवाई, तिपानी, जुरिम, तिपाही जुबरी एक साथ है। ठीक है, तो गरबा, डांडिया, गुजरात से ऐसे कभी क्वेश्चन ऐसे देखने को नहीं मिला ये वाला। HP का ये हिमाचल प्रदेश का नाटी, ठीक है, ये नाटी वाला बहुत बार देखने को गए, नाटी, दाफ, धम्मल, लूर, गुग्गा, खोर, घागोर, नाम भी देख पा रहे होंगे, मे बी मैं गलती से कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ तो सॉरी फ्रॉम माई साइड। ओके, सो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, नाटी वाला आपको बार बार देखने को मिला है, नाटी से एकदम एग्जैक्टली याद कर लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का है। हरियाणा के अंदर देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी दम्बल आ रहा है ना, और दांगी, दांगी इसमें भी नहीं है। देखो क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकती मैं कि जो स्टेट है वो एक ही जगह पे होगा, जैसे अगर कुछ स्टेट है जैसे कि उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, दो हैं, तो अगर इनको साथ में, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बिल्कुल अलग चल रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग, कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों आस पास 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 थोड़ा ना, कि उत्तराखंड की बाउंड्री खत्म हुई तो उसका डांस भी वहीं खत्म हो गया, एंड देन जब नेक्स्ट UP की बाउंड्री शुरू होती, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, बट एग्जामिनेशन क्वेश्चन वहां से आता है जो कि मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, जो कि स्पेसिफिक उसी रीजन का वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे। ठीक है, तो ये झोर ना आपको नॉर्दर्न वाले में सब में दिख जाएगा,
ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में आता है, तो झोर वाला, डांगी, छपेली भी आपको नॉर्थ में सब में दिखा देगा, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत रेयर केस होगा, आपको देखने को मिलेगा। महासू, हरियाणा, फाग, धाब, धमल, हिलूर, गुग्गा, खोगे में पढ़ चुकी थी। जम्मू कश्मीर का रॉफी है, तो भाई बहुत इसे याद रख लो, ये सिर्फ इधर ही मिलता है, जो ये डांस है सिर्फ यहीं पे होता है। देखो ये अब्दमाली भी सेम मिल गया, मैं आपको बोल रही थी कि जो ये जो नाम है ना नॉर्दर्न वाली, आपको हर जगह मिल जाएंगे, छपेली वाला भी। तो ये जम्मू कश्मीर है, इसका रॉफ बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन MTS में, CHSL में, CGL में देखने को मिला है, रिपीट होता रहा है। कर्नाटक का लंबी, ये वाला भी मैंने MTS में ही देखा था, PYQ में रिपीट हुआ था ये वाला। लंबी, यक्षगान, हुतारी, सुग्गी, कारगा, ठीक है, केरला का ओट्टम, ठीक है, केरला का ओट्टम, कई कोट्टिकली, ठीक है, ओट्टम ओट्टम वाला देखने को मिला था। महाराष्ट्र का लवानी, लावणी बोलते हैं, ठीक है, लावणी, नटका, कोली, गाफा, दहिकाल, दश अवतार, तो लावणी वाला एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, तो लावणी वाला जैसे ही आया तो आप अपने दिमाग में क्लिक करने में कि लावणी की बात हो रही है, मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं अंडरलाइन जिस जिस पे करती हूँ वो बार बार रिपीट होने को आपको दिख जाएगा। लंबी वाले भी कर लीजिए। पंजाब, भांगड़ा, गिद्दा, गब, धमाल, देखो ये पंजाब आपको ना नहीं मिलता MTS में, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पंजाब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो इसके डांस फॉर्म है ना ये बहुत पॉपुलर है। फिर वेस्ट बंगाल का बॉल, जत्रा, मरासिया, काथी, तो ये बॉल वाला ज्यादा देखने को। राजस्थान का कलबेलिया, इस पे तो क्या कर लो आप, कलबेलिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है। और अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए थे MTS के और CGL के, वहां पे भी कलबेलिया बार बार देखने को मिला, क्योंकि कलबेलिया असली, क्योंकि और किसी स्टेट में हो ही नहीं रहा है, सिर्फ राजस्थान का फेमस है, तो कलबेलिया से याद रखना आप। गोपाल, सुई सिंह, झूलन लीला, घूमर चक्री, घूमर चक्री में पता है कि राजस्थान के, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो कलबेलिया आप कर लेना। तमिल, तमिलनाडु का कुम्मी, ठीक है, और कोलट्टम कावड़ी, ये कोलट्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, नाम से आप समझ लग जाएंगे साउदर्न इंडिया का है, तो साउदर्न अगर आपको दिख जाए कि भाई कोलट्टम आ गया, आपके एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहा, बट आपको नाम पढ़ के लग रहा है कि ये तो साउथ का हो सकता है, और आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि तीन नॉर्थ के एक ही साउथ का डाल रखा है, तो सीधा आपका दिमाग में लग जाएगा। यूपी, रासलीला, कजरी, झोर, अगेन मैंने बोला था ना झोर, झपेली, ये नॉर्थ वालों में दिख जाएगा आपको। नौटंकी सिर्फ यहीं होता है, नौटंकी वाला देख सकते हैं क्योंकि अकेला यहीं पे होता है, नौटंकी, जैतम। उत्तराखंड का कजरी, झोर, रासलीला, छपेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इसको भी नहीं आता है ज्यादातर, जिस जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, ज्यादा जोर दे सकते हैं, एग्जैक्टली टिप्स पे याद कर सकते हैं, बाकी वो देख लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड हो चुका है। असम का बिहू, ये बिहू वाला भी इतनी बार, हर जगह बिहू इतना फेमस है, इतना फेमस है, आपको दिख नहीं रहा ना, आई गेस एक सेकेंड। तो असम का आपका बिहू, जो कि असम में ही दिखता है ज्यादातर, हमेशा इससे क्वेश्चन जरूर आता है, बिहू को तो याद कर लीजिए। बिहू, बिछुआ, ये भी आपको दिखता है, काली गोपाल भी देखने को मिला है, और नाट पूजा, इन सब में से नहीं आया, बट आप ये बिहू, बिछुआ, ये असम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम फोक डांस की बात कर रहे हैं। ओडिशा का छऊ, ये छऊ वाला भी बहुत है, छऊ ओडिशा झारखंड सब में होता है, बट आप ओडिशा से याद कर लीजिए। और घूमर, सवारी, मुनारी, ये सब नहीं, तो जिस जिस पे ये मैंने ऐसे अंडरलाइन करा हुआ है इन सब पे ज्यादा जोर दे लेना, ठीक है, इस पे पूरे पे कर देती हूँ, और यहीं से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वचन और नारे, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी ना कभी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बट नहीं भी आता है तो अपने लिए सीखिए कुछ नारे कि क्या लगाए गए थे हमारी स्वतंत्रता पाने के लिए, बीच में जो नारे लगाए गए थे वो सारे हम इस जगह पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गिनती के मैंने यहाँ पे 12 लिखे हैं, है तो बहुत सारे, देखो लिखने लगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए और ये सफिशियंट है आपके लिए, ओके। जनगण मन, तो अधिनायक, तो ये रविंद्रनाथ जी ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने बोला था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये पूरा नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, एग्जामिनेशन में बार बार ही क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बोला था, कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्यों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, तो ये भगत सिंह ने कहा था।
जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। देखो पांचवा छठा सातवा ये जो तीनों के तीनों है ना ये सुभाष चंद्र बोस जी के बोले गए। ठीक है तो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बहुत ज्यादा फेमस है ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। और दिल्ली चलो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। करो या मरो हे राम और भारत छोड़ो ये तीन अलग अलग हैं महात्मा गांधी ने बोला था इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख लिया। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है साइमन कमीशन वापस जाओ तो साइमन कमीशन अगर आपको पता होगा साइमन कमीशन लाया गया था तो उससे हम खुश नहीं थे बिल्कुल भी तो हमने से वापस जाने के लिए नारे लगाए थे। ठीक है कैंपेन चलाए थे साइमन कमीशन वापस जाओ तो किसने बोलते लाला लाजपत राय जी ने बोला था। वंदे मातरम बमकिन चटर्जी ने बोला था। ठीक है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो ये वाला जो नारा है ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है ये भी बहुत फेमस है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसके आगे भी एक होता है ना 12 वाला मारो फिरंगी को मतलब ये मंगल पांडे ने बोला था। मंगल पांडे आप फेमिलियर हैं इस नाम से या नहीं मंगल पांडे ये वो होते जिनको खुले में फांसी दे दी गई थी मतलब जब फांसी देना होता है तो मुंह ढक दिया जाता है मतलब कोई कपड़े से ढक दिया जाता है बट लोगों को दिखाने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें खुले ऐसे पेड़ पर ही लटका दिया था सबको सब लोग इकट्ठा हो गए थे और खड़े खड़े उनको लटकाया और उनका मुंह तक भी नहीं ढका ताकि उनके अंदर जो डर था वो दिखे बट वो नहीं डरे बट जैसे ही उनको लटका दिया गया ना उसके बाद पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल चेंज हो गया सबके अंदर बहुत अलग सी आग भड़क गई थी। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो मंगल पांडे की स्टार्टिंग से हुआ था इनकी वजह से शुरुआत थी बाकी हर जगह से लोग आए थे हर जगह से। जो रानी लक्ष्मीबाई का है वो भी 1857 का ही है। ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ क्योंकि एकता की कमी थी इन सब ने अपने अपने जगह पर लड़ना शुरू किया वो हर कोई हर किसी का मोटिव ये नहीं था कि भारत को आजाद कराना है मोटिव ये था कि जहाँ हम रहते हैं वो ठीक हो जाए मतलब अपने अपने सिचुएशन के लिए लड़ रहे थे भारत के लिए लड़ रहे थे। तो अगर ये सब एक साथ होके एक मोटिव लेके लड़ते तो हम उसी टाइम जरूर आजाद हो जाते बट ये 1947 में जाके हुआ जब सब ने एक साथ करके किया। अब वो टाइम भी ऐसा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था तो हमारे ज्यादा आसानी भी हो गई। तो ये कुछ नारे हैं देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है इसे नोट कर लीजिए याद कर लीजिए इन फ्यूचर ऐसा तो है ना कि आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन पर टिकने वाले हैं है ना। तो एक करने के बाद हम हमेशा सोचते हैं कि एक कदम आगे अब बड़े जॉब के लिए अगर आप MTS दे रहे हैं तो CHSL CHSL दे रहे हैं तो CGL तो आगे भी आपको ये सब काम आएगा।